हो गया सर। ठीक है सर, ओके हैप्पी सर। शिवरात्रि सर। हाँ सर, हाँ शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। आज ही है शिवरात्रि का पूजा ना, हाँ सर, मतलब आज रात को पूजा होगा। हाँ मतलब रात के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। बहुत बड़ा दिन है सर, वेरी पावरफुल डे। ओके तो सर चलो, आज शिवरात्रि का दिन है तो क्या पढ़ेंगे। चलो शिवरात्रि के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट तो है नहीं, अगर होता तो अच्छा होता, हम लोग भी थोड़ा शिवरात्रि के बारे में जान लेते अच्छे से। लेकिन हम लोगों को पढ़ना होगा इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स में हम लोग आज क्या सीखेंगे सर, बहुत दिनों से मैं आपको कैपिटल गेन सिखा रहा था, आज कैपिटल गेन और नहीं बताएंगे। एक होमवर्क था कैपिटल गेन का, उसका सॉल्यूशन वाला जो है ना, वो वाला लेक्चर्स में आपको शेयर करूंगा, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। हाँ सर, एक कैपिटल गेन का होमवर्क में दिया था सबको, और वो एक कंप्लीट सम्स था कैपिटल गेन से, जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से, कोई 60 साल के नीचे का है, कोई 60 साल के ऊपर का है, कोई सुपर सीनियर है, कोई फॉरेनर है, तो उसके बेसिस में क्वेश्चन है मैंने आप सभी को दिया था। अगर आप लोगों ने घर में गो थ्रू किया है तो बहुत अच्छा, ट्राई किए हैं तो। अगर ट्राई ना भी किए हैं तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इतना मैं बोल सकता हूँ कि आपको कैपिटल गेन का जो एक कम्प्लीटनेस है ये वो हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन जो वीडियो है मैं आपको शेयर करूँगा सर, ठीक है। तो आज का लेक्चर्स क्या है, लेकिन मेरे को सोल्यूशन करके आप लोग शेयर कीजिएगा सर, ठीक है, तभी जाके मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ये कंडीशन है। नहीं तो ऐसा होगा कि आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो फिर मुश्किल। अच्छा, नाउ टुडेज पॉइंट क्या है सर? सर आज का पॉइंट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। पांच हेड हैं इनकम टैक्स में, पांच सर बना के रखा है, पांच हेड। हमारा सर खाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पांच अलग अलग हेड बना के रखा है, ताकि हम लोगों का एज ए स्टूडेंट बोलो, एज ए प्रैक्टिशनर्स बोलो, ठीक है, हम लोगों का क्या हो जाए, दिमाग खा पाए इनकम टैक्स वाले। तो इनकम टैक्स एक्ट ने पांच अलग अलग हेड बनाया, जिसमें से पॉपुलर हेड आप सबको पता है, पॉपुलर मतलब सभी पॉपुलर हैं, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड मतलब इनकम अंडर दी एट हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर दी एट सैलरी, इनकम अंडर दी एट बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम अंडर दी एट कैपिटल गेन, ठीक है, और इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स। सर ये अदर सोर्स हेड किसके लिए है सर? इन सिंपल है, जिसका कोई घर नहीं उसका एक तो घर होना चाहिए ना। हमारे देश में भी ऐसा है, जिसका कोई घर नहीं होता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जिसका कोई घर नहीं उसका भगवान का द्वार है। ऐसा ही ये भी सोच लो कि जिसका कोई घर नहीं है उसको एक जगह में घर दिया गया, और उस घर का नाम है अदर सोर्स का घर, ठीक है, कि भाई घर नहीं मिल रहा है, चलो भाई तुमको रहने देते हैं। तो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इसीलिए रहने देते हैं, इसमें इनकम टैक्स वाले का क्या है, फायदा है, मतलब ताकि हम लोग ऐसा ना बोल पाए कि मेरा घर नहीं है तो फिर मेरे को लेके क्लेम मत करो, ऐसा ना बोल पाओ, ठीक है, ताकि ह्यूमन मतलब जो सिटीजन है, जो रेसिडेंट है, जो देश से इनकम करते हैं अलग अलग सोर्स से, ठीक है, बोल दिया कि भाई मेरा सैलरी नहीं है तो फिर आप मेरे को मुझसे टैक्स मत मांगो, मेरा बिजनेस नहीं है तो फिर मुझसे टैक्स मत मांगो, मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है मुझसे टैक्स मत मांगो, ठीक है, मेरा कैपिटल गेन नहीं है मुझसे टैक्स मत मांगो, मतलब अगर ये सब होता तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी इनकम है जो ना तो सैलरी में आता है, ना तो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, ना ही कैपिटल गेन में आता है, ठीक है, तो फिर उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो इनकम टैक्स बोलता है ठीक है भाई तुमको रहने के लिए घर देते हैं, लेकिन टैक्स इनकम टैक्स में काउंटिंग जरूर कर लेना, और जरूरत पड़ने से तो कहीं कहीं जगह में एक्स्ट्रा टैक्स भी दे देना। तो आज यही जानना है सर, ठीक है सर, ऐसा कौन सा इनकम है जिसको हम लोग इनकम अंडर दी अदर सोर्स में डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कौन सा इनकम है जिसको हम लोग अदर सोर्स में डालते हैं। ऐसे बाकी जो चैप्टर्स है लाइक कैपिटल गेन, बीपी, इस तरह का जो चैप्टर्स है ये थोड़ा सा बड़ा है सर, सेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपेरेटिवली अदर सोर्स का जो एरिया कवर है सर वो थोड़ा सा छोटा है कंपेरेटिवली, 56 से सेक्शन 56 से 59 का ऑलमोस्ट एरिया कवर करता है, लेकिन वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्या बताऊँ सर, बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट में चलता है ये, ठीक है, मतलब आमतौर पे हम लोग अदर सोर्स इनकम बहुत सारा देखते हैं हमारे सोसाइटी में, और उस अदर सोर्स इनकम का इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, वही बेसिकली हमारा इस टॉपिक का मेन पर्पस है जानना। अगर आप पर्पस फुलफिल कर लेते हो तो एग्जाम का पर्पस भी फुलफिल हो जाएगा, टॉपिक का पर्पस फुलफिल करो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है
हेड को समझना, नॉलेज लेना, अगर आप वो ले लेते हो तो आपका एग्जाम जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी हेल्प हो जाएगा. सो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक या सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपका ऑटोमेटिक एग्जाम बन जाएगा सर. तो पहले सीखो तो फिर हर जगह में बन जाओगे सर. तो चलो आज क्या सीख पाएंगे वही देखते हैं. कोशिश करता हूँ आज कुछ एरिया कवर करने का, फिर कल कुछ एरिया कवर करेंगे. दो चार क्लास तो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर, आधा सोर्स में, है ना सर? आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? प्लीज टेल मी. यस सर. ओके सर. फाइव हेड्स में से कौन आ गया सर आज हमसे मिलने? सर आज ये वाला हेड आ गया हमसे मिलने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ठीक है, तो चलो देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या समझना पड़ेगा सर? मेनली इस चैप्टर के अंदर हमें ये समझना पड़ेगा, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज आइडेंटिफाई करना. बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एग्जाम के पर्पज में भी अगर आप मुझे पूछते हो तो उसमें ना आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. मतलब विच इनकम बिलोंग्स टू अदर सोर्स एंड विच इनकम बिलोंग्स टू एनी अदर, मतलब हेड, इसके बीच में ना जो कहीं कहीं थोड़ा थीन लाइन भी है. ठीक है, मतलब कभी लगता है कि तो बीपी में जाना चाहिए, बट बीपी में नहीं गया, अदर सोर्स में चला आया. कभी लगता है कि ये तो कैपिटल गेन में जाना चाहिए, बट कैपिटल गेन में नहीं, इसको अदर सोर्स में लगा दिया. कभी लगता है कि ये तो पेंशन में जाना, मतलब सॉरी सैलरी में जाना चाहिए, बट सैलरी में नहीं, उसको अदर सोर्स में डाल दिया. मतलब लगता कुछ है पर होता कुछ और है, और उसके पीछे रीजन भी होता है. ठीक है, उसके पीछे रीजन से लॉजिक भी होता है. अगर आप लोगों का पिछला जो भी हेड्स है इसका नॉलेज क्लियर है तो आपको थोड़ा हेल्प होगा, बट ऐसा भी नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, पूरा समझ आएगा. अगर प्रीवियस सब्जेक्ट मतलब हेड्स का नॉलेज है तो यू कैन रिलेट इट इजीली, अगर नॉलेज नहीं है तो. अगर आधा सोर्स अभी कर रहे हो तो बाद में आप लोग क्या कर लोगे, बाकी हेड्स को अलग अलग करके जैसे ही पढ़ना चालू कर दोगे आप, उसको समझना आपके लिए और इजी हो जाएगा. ऐसे ईच एंड एवरी चैप्टर इंडिविजुअल है, बट फिर भी हर एक के साथ हर एक का कनेक्शन तो जरूर बना हुआ है. ठीक है, तो देखना है सर ये जो सेक्शन अदर सोर्स जो है सेक्शन 56 से लेके 59 का जो एरिया कवर करता है. ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 56 से इसका मेनली बातचीत चालू होता है और 59 तक ये मेनली कवर कर लेता है. मेनली 58 और एक एरिया है 59 का डीम्ड इनकम का, उसके बारे में भी मुझे बात करना चाहिए आपसे. ठीक है, तो वो भी बात करूंगा. जो डीम्ड इनकम पकड़ लिया जाता है तो कैसे होता है डीम्ड इनकम, वो भी बोलेंगे सर, धीरे धीरे बोलेंगे, एकदम हड़बड़ करेंगे तो मुश्किल होगा. तो पहले चलो एक एक करके मैटर को आगे बढ़ाते हैं. तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जो कि आपको मैं बार बार. हाँ, गुड मॉर्निंग नील, गुड मॉर्निंग. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सबसे बड़ा टारगेट यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ठीक है, अच्छा आइडेंटिफाई मतलब जैसे कि आपको मैं बोला, फिर एग्जामिन द ट्रांजैक्शंस. ठीक है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स का जो काम होता है सर, उसमें ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करना, ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन. कुछ एरिया होता है सर जहाँ पर ना विदाउट कंसिडरेशन काम चलता है. कई बार मतलब जितना दाम है आप उतने दाम पे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हो. ठीक है, मतलब से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का वैल्यू है 5 लाख, आप इसको दे रहे हो 2 लाख में, तो कुछ तो होगा, कोई रिलेटिव्स वाला केस होगा, कोई गिफ्ट वाला केस होगा, तो कितना तक वो ट्रांजैक्शंस वैलिड है, कितना वो इनकम टैक्स पे आना चाहिए, अगर नहीं आना चाहिए तो फिर किधर डालेंगे. तो उसमें अदर सोर्स का एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता है जो बेसिकली गिफ्ट के अंदर भी आ जाता है सर. ठीक है, इसमें दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है विदाउट कंसिडरेशन, एक होता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. मतलब विदाउट कंसिडरेशन इन द सेंस जिसमें कंसिडरेशन होता ही नहीं है. ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है सर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है ना. तो इसलिए आपको ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करना होगा कि क्या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में लेन देन में, किसी पर्टिकुलर लेन देन में, ठीक है, क्या विदाउट कंसिडरेशन लेन देन हुआ है, तो क्यों हुआ है, ठीक है, किसके बीच में हुआ है, ये बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब जो दाम है 5 लाख का चीज क्या 1 लाख में दे दिया, या 2 लाख का चीज क्या 50,000 में दे दिया, समथिंग लाइक दैट. टू डिटरमाइन वेदर सच रिसीप्ट्स आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड, क्या उस पर्टिकुलर रिसीप्ट जो भी इनकम वगैरह है उससे क्या वो इनकम हेड में आएगा जिसको भी इनकम हो रहा है. तो इसके लेके काफी इंटरेस्टिंग एरिया ये कवर करता है सर. ठीक है, बहुत बार हम लोग इनकम टैक्स में सोचते रहते हैं कि क्या ये इनकम टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का काफी सारा एरिया है जो बात करेंगे. नो व्हाट आर द एडमिसिबल डिडक्शंस, हाँ सर, ये अदर सोर्स के अंदर भी आपको एडमिसिबल डिडक्शंस का एरिया कवर किया जाता है. ठीक है, एडमिसिबल डिडक्शंस मतलब जैसे आप लोग
हर चैप्टर में डिडक्शन देखते हो, है ना, ईच एंड एवरी चैप्टर में। जैसे जो लोग सैलरी चैप्टर कर चुके हो या रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो सैलरी में भी आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर डिडक्शन सैलरी लेवल का। अगर आप लोग बिजनेस प्रोफेशंस किए हो तो वहाँ पर भी आप लोग ईच एंड एवरी मतलब सेक्शन वाइज भी आप लोगों ने डिडक्शन देखा। अगर आप लोगों ने कैपिटल गेन चैप्टर किए वहाँ पर भी देखा। आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर किए तो वहाँ पर भी देखा। अगर किसी ने नहीं किया तो बाद में देख लेगा, ठीक है। अब सिमिलरली IFOs में, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वेरी पॉपुलरली नोन एज IFOs, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। ये हम लोग बहुत बार IFOs IFOs चिल्लाएंगे तो आप लोग ऐसा मत समझ लेना कोई मैं साइंटिफिक नेम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इट्स वेरी पॉपुलरली नोन एज IFOs, ठीक है। तो IFOs में भी एडमिशेबल डिडक्शंस है, ठीक है, जो आपको समझना पड़ेगा जब हम लोग इनकम को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। नो व्हाट आर द इनएडमिशिबल डिडक्शंस। अच्छा, कुछ डिडक्शंस ऐसे भी होंगे जो इनएडमिशिबल है, मतलब आप बेसिकली टोटल इनकम से लेस नहीं कर सकते व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम। एंड लास्ट में कैजुअल इनकम का भी कुछ एरिया है, रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन सच इनकम, ये भी हमें जानना है सर कि अदर सोर्स में रेट ऑफ टैक्स क्या है, क्या ये नॉर्मल स्लैब में आता है या फिर नॉर्मल स्लैब मतलब क्या, जो टोटल इनकम होता है उसके अंदर भाई अदर सोर्स में ये इनकम हुआ है ऐड कर देते हैं, मतलब ये नॉर्मल स्लैब है। तो क्या आधा सोर्स का हर एक इनकम नॉर्मल स्लैब में आता है या फिर कुछ स्पेशल टैक्स रेट भी होता है आधा सोर्स के लिए, ये भी जानना है। जैसे आप लोगों ने देखा कैपिटल गेन में अलग अलग कैपिटल गेन का अलग अलग टैक्स था, तो क्या ऐसा आधा सोर्स में भी कुछ है क्या सर, वो भी जानने के लायक है। बट हाँ सर है, ठीक है, आधा सोर्स में भी डिफरेंट मतलब अलग लेवल ऑफ टैक्स है नॉर्मल स्लैब को छोड़ के भी, ठीक है। नॉर्मल स्लैब मतलब बड़ा सिंपल है, आप अलग अलग हेड से इनकम करते हो उस अलग अलग हेड्स को जोड़ते जाओ। से फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी से कुछ कमाया, आपने कैपिटल गेन से कुछ कमाया, ठीक है, आपने IFOs से कुछ कमाया, ठीक है, तो वो इनकम ऐसे करके ऐड हो जाता है और आपका टोटल इनकम जो होता है वो आप काउंट कर लेते हो। लेकिन इस इनकम में से फॉर एग्जाम्पल इस IFOs की इनकम अगर टोटल स्लैब में आ रहा है, ठीक है, तो वो तो टोटल इनकम के हिसाब से आपका स्लैब रेट में गिर जाएगा, ठीक है। आप तो 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब 2,50,000 तक नहीं, मैं नॉर्मल एक्सेप्ट 115 BAC बात कर रहा हूँ, जो करेंट डिस्काउंटिंग रेट भी इनकम टैक्स ने चालू किया ना उसको मैं थोड़ा सा स्कीप कर रहा हूँ इधर, बिकॉज वहाँ पर वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन जो ट्रेडिशनल वे है अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, वो बेसिकली नॉर्मल स्लैब मतलब वो बात होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इनकम होते हैं आधा सोर्स में जिसपे फ्लैट रेट चार्ज होता है सर, फ्लैट रेट चार्ज होता है। तो ऐसे दो तीन एरिया है, ठीक है, जिसमें कुछ पॉपुलर पॉइंट आप लोग जानते होंगे। हाँ सर कोई बता सकते हो, IFOs में अलग टैक्स रेट किस पे लगता है, इट्स वेरी पॉपुलर, आई नो बहुत लोगों को पता होना चाहिए, प्लीज टेल मी। सर वो हाँ हॉर्स रेस के इनकम पे होता है, फिर क्या कहते हैं डिविडेंड पे होता है। नीचे 30% এরকম আছে। वेरी गुड सर, आई नो पॉपुलर है इसलिए आप लोगों में पूछ लिया, वेरी गुड सर। विनिंग वे, ठीक है, विनिंग ऑफ हॉर्स रेस वगैरह, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह, ठीक है, ठीक है, कैसिनो वगैरह में जो विनिंग वगैरह होता है या फिर KBC टाइप में जो गेम शोज वगैरह होता है, ये सब में 30% टैक्स चार्ज करते हैं। हाँ सर वेरी गुड, ठीक है, तो वैसा एरिया भी यहाँ पर कवर होगा सर, ठीक है। तो ये मेनली आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कुछ इंटरेस्टिंग एरिया जो हमें सीखना है जानना है, ठीक है। और ये रहेगा आपका ओवरऑल प्रोफार्मा, मतलब जो इनकम टैक्स में जो अदर सोर्स कैलकुलेशंस होता है उसका कैलकुलेशंस करने का एक तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका इनकम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हर एक इनकम को भी पहचान लेंगे, हर तरह का इनकम को भी पहचान लेंगे और साथ में ये भी देख लेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो चलो एक बार आपको मैं कैलकुलेशन के साथ साथ सबसे पहले है ना आधा सोर्स के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी चीज हो जाता है वो हो जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या क्या इनकम को आधा सोर्स में जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब आधा सोर्स में ट्रीट करेंगे, ये सबसे वाइटल पॉइंट है, ठीक है। बाकी जैसे बाकी चैप्टर्स का जो खेल था वहां पर आप लोगों को जैसे मानो BP के अंदर आपको बिजनेस सोर्स को समझना था, PL समझना था, ठीक है, कैपिटल गेन में आपने कैपिटल एसेट्स को समझना था, यहाँ पर आपको समझना है आधा सोर्स क्या क्या है, ठीक है। आधा सोर्स को क्या क्या चीज के अंदर अदर सोर्स के अंदर डालेंगे, कौन से इनकम को, दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट यार, यहाँ पर सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है, ठीक है, जिसको लेके स्टूडेंट को दिमाग में भरना होगा कि भाई ये अदर सोर्स होगा इस। और अगर किसी जगह में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो उसको आपको थीन लाइन में याद रखना होगा कि अच्छा बेटा ये इस कारण से अदर सोर्स में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो चलो मैं आपको कुछ पॉइंट पहले बताता हूँ फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ सर। हाँ ओके, इसको आप प्रोफॉर्मा भी बोल सकते हो और आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हो।
ऐसे सिंपल तरीके से पहले बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे ये हर एक पॉइंट में अलग अलग चर्चा होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जैसे मानो कि आपको दिखाई दे रहा होगा सर डिविडेंड इनकम है ना, डिविडेंड इनकम सर, आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत लोग करते हो, आई नो, ऐसे अभी वार सिचुएशंस को लेके दुखी मत हो जाओ सर, वो ठीक हो जाएगा, वार आएगा जाएगा, वो सब जिंदगी का जैसे होता है ना अप एंड डाउन, तो वार के कारण मार्केट में जिन लोगों का पैसा है वो बहुत डर रहा है कि क्या पता क्या होगा, हाँ और क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा नहीं होगा, आई नो, बट सर डोंट वरी, वापस पैनिक मत हो जाओ, मैं इतना बोलूंगा, जैसे ही थोड़ा सब कुछ ठीक होगा, 1 साल 2 साल भी लग सकता है, बट आपका पैसा मतलब फिर से वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, इतना मैं आपको बोलूंगा। और भारत है, भारत में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कारगिल वार के टाइम पे भी इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म किया था, मतलब ये इंडिया है, यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है, जानते हो सर आप लोग, भारत पाकिस्तान लड़ रहा था 99 में, ठीक है, तो पाकिस्तान इंक्रोचमेंट कर रहा था हमारा एरिया फिर से, तो वाजपेयी जी ने जवाब दिया था, बट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा असर नहीं आया था। ये तो रशिया यूक्रेन का वार है, मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या स्थिति है अभी आप लोगों को क्या पता, ये रशिया यूक्रेन का, मैं कुछ दिन थोड़ा सा ना पर्सनल काम से ना कुछ बिजी के कारण कुछ खोज खबर नहीं ले पा रहा हूँ, आप लोगों के पास क्या खबर है सर, रशिया क्या बोल रहा है? हाँ सर, आप लोगों के पास खबर है कि नहीं है? सर मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? रहता था ओके आवाज आ रहा सर, है पर सर खबर नहीं है। खबर नहीं है, क्या करते हो आप लोग, थोड़ा सा रशिया इंटरनेट, करने यूक्रेन के वॉर लिए सर नहीं है। हाँ, यूक्रेन कोई वही कोई कॉम्प्रोमाइज में कुछ जाएगा या नहीं? रशिया यूएसए लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज में नहीं जाता है, उनका ईगो हट जाता है। ईगो हर्ट हो रहा है, सर, यूक्रेन रशिया के बड़ा कंट्री है ना सर, लिए सुपर पावर बनने का ख्वाब देखता है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। रशिया तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा, और यूक्रेन घुटना टेकना नहीं चाहता, यही है ना, हाँ सर वही वही है है। वही है सर। यूक्रेन के पास पावर तो उतना है नहीं, बट अभी यूक्रेन तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेटो और अमेरिका, नेटो अमेरिका बेसिकली उसको पीछे से बैक कर रहा है ना, इसीलिए उसका इतना मतलब, ये जो यूक्रेन का जो दम दिख रहा है ना वो बेसिकली नेटो और अमेरिका के कारण, नहीं तो यूक्रेन का क्या दम है रशिया के सामने, ये तो समझ में आ ही रहा है। अभी भी फाइट चल रहा है, बात करने से कोई उनका वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसे पहुंचेगा जब तक नेटो और अमेरिका इसे इसे इन्वॉल्वमेंट को नहीं हटाएगा, कैसे पहुंचेगा? अमेरिका और नेटो को हटने बोलो, ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। लीडर बना देने से यही होता है, एक्टर लोगों को अगर लीडर बना दे तो सही बात है, नहीं, अमेरिका को हटना चाहिए, ये अमेरिका और नेटो नहीं हटेगा, क्योंकि देखो भाई रशिया का एग्रेशन तो इसमें रहेगा, उसका पर्सनल मामला है, मैं रशिया को भी दोष देता हूँ बिकॉज कोई मतलब नहीं है इसका, बट अगर इसको बढ़ना नहीं है तो फिर नेटो को इसके पीछे से हटना चाहिए, क्योंकि नेटो हटेगा तो फिर ये लोग अपने वापस में बात करेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कर रहा है ना, हर कोई इंडिया की तरह नहीं होता है कि पहले अटैक हो उसके बाद नेक्स्ट वो लोग वार करेंगे, ऐसा हाँ नहीं है वो वही है रशिया, हाँ रशिया बेसिकली अपना नेटो, जिस तरह से नेटो और अमेरिका उसके पीछे लग रहा है उससे वो बचना चाहता है, फ्यूचर प्रॉब्लम को दूर करना चाहता करता है, वो पहले से ही वार कर दे रहा है, है। क्योंकि जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा तब मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नहीं, रशिया का अप्रोच समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये नाटो और अमेरिका तो हटेगा नहीं, देखो वो क्या लोग होता विक्टर को बकरा बना रहे हैं। है। बकरा ही तो बना रहे और क्या, ये वेस्टर्न कंट्रीज तो डिवाइड एंड रूल का खेल खेल के पूरा दुनिया को पागल किया है सर, ठीक है चलो आधा सोर्स में चल आते हैं, मैं थोड़ा सा अपडेट ले लिया आप लोगों से, थैंक यू सर, सीरियसली मैं एकदम खबर खोज खबर नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ ऐसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में थोड़ा फंसा हुआ हूँ 2 4 दिनों से। डिविडेंड इनकम सर, डिविडेंड इनकम में सर जैसे मानो डिविडेंड इनकम मतलब आप लोग जानते हो, आप लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी आपको डिविडेंड देता है, जैसे मानो कुछ दिन पहले हम लोग म्यूचुअल फंड क्लास कर रहे थे, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में हम लोग एक ऐसा डिस्कशन भी कर रहे थे कि ऐसे ऐसे कंपनी का लिस्ट बताओ
जो अच्छा डिविडेंड देता है। और म्यूचुअल फंड कंपनीज भी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लिस्ट बना के उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं। ठीक है, इसका एक अलग ही लिस्ट है, मैं कुछ नाम आपसे अभी शेयर कर सकता हूँ जो डिविडेंड अच्छा देता है। ठीक है, ऐसे भी कंपनी डिविडेंड देता है, ठीक है, बट ऐसे जैसे ITC हो गया, कोल इंडिया हो गया, ONGC हो गया, दे आर कुछ गवर्नमेंट लेवल का ऑर्गेनाइजेशंस कुछ है जो काफी अच्छा डिविडेंड देता है, बिकॉज उसका ग्रोथ उतना नहीं होता। ये कॉमन सेंस थोड़ा होता है कि अगर ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ होगा नहीं, या फिर ग्रोथ करने लायक लीडरशिप नहीं है, तो फिर अगर कंपनी के पास पैसा है तो अच्छा खासा डिविडेंड देता है। ठीक है, अब डिविडेंड इनकम ऑब्वियसली ग्रोथ जैसा नहीं होता, बट डिविडेंड में क्या होता है ना, एक सर्टेन इनकम होता है। सर्टेन इनकम मतलब फिक्स टाइप का, जैसे इंटरेस्ट में इनकम होता है ना फिक्स टाइप का, तो डिविडेंड इनकम बिना फिक्स टाइप का दिख जाता है। अगर कंपनी के पास काफी पैसा हो, एक जमाने में बहुत प्रॉफिट किया है, और आप कंपनी का शेयर होल्डर हो, तो कंपनी आपको खुश करने के लिए रेगुलर बेसिस में एक अच्छा खासा डिविडेंड देता जाएगा। जैसे ITC, कोल इंडिया, ONGC जैसा कंपनी। इन्फोसिस थोड़ा वर्सेटाइल है, इसका इसके बीच में ग्रोथ भी है और डिविडेंड देने का भी एक कॉन्सेप्ट देखा जाता है। तो ऐसे और भी है, लंबा लिस्ट है सर, 50-60 बड़े बड़ा कंपनी है इसके अंदर। मैं सबका नाम अभी तो नहीं लूंगा और ले भी नहीं पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी से आप डिविडेंड कमाते हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड इनकम को अदर सोर्स के अंदर ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको दिमाग में घुसा देना चाहिए। अच्छा, डिविडेंड इनकम के बीच में ना और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, सेक्शन 2, सबसेक्शन 22 के अंदर, उसमें ABCD करके बहुत सारा एरिया है, आगे आगे बात करूंगा सर। तो ये एक हो गया आपका डिविडेंड इनकम, जो आधा सोर्स में इट्स वेरी पॉपुलर। ठीक है, अच्छा फिर पॉइंट इज सर कैजुअल इनकम। सर कैजुअल इनकम क्या हो गया, सर कैजुअली आप कुछ इनकम कर लेते हो, कैजुअली, नॉट सीरियसली। ठीक है, दिस इज योर कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, मतलब पजल सॉल्व करके अर्निंग हो गया, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, मतलब कार्ड गेम्स आर वेरी पॉपुलर। जैसे मानो आजकल एक कंप्यूटर गेम्स भी होता है ना, रमी वगैरह कुछ बोलता है, हाँ सर रमी गेम होता है, ऐसे तीन पत्ती बहुत लोग खेलते भी हैं। ठीक है, ऐसे वेरी वेरी दिमाग वाला गेम है सर कार्ड गेम्स। ठीक है, लेकिन इससे इसको लेके जब जुआ टाइप में कुछ हो जाए ना, स्पेकुलेशन हो जाए, ठीक है, बिकॉज देखो कार्ड गेम्स बुद्धि तो है, प्रोबेबिलिटी है, बुद्धि के साथ साथ प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी मतलब स्पेकुलेशन है ना सर। आप लोग मैथ्स में प्रोबेबिलिटी तो किए हो, प्रोबेबिलिटी बहुत लोग मैथ्स स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी किया जाता है, तो जहां पर भी कुछ ना कुछ प्रोबेबल मैटर होता है ना, वो बेसिकली कैजुअल इनकम कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज नो वन नोज क्या होने वाला है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, क्या आप उसको मतलब सर्टेनली बोल सकते हो क्या कि भाई यही होगा? तो जब सर्टेनली नहीं बोल सकते तो वो क्या होगा, वो कैजुअल इनकम हो जाएगा, वो रेगुलर इनकम नहीं हो सकता। ठीक है, तो कार्ड गेम्स वगैरह ये सब आपका क्या हो जाएगा, गैम्बलिंग। ठीक है, बेटिंग। ठीक है, बेटिंग जैसे क्रिकेट में होता है, आप लोग जानते हो IPL में बेटिंग हुआ, इंडियन टीम में भी 90s के जमाने में बेटिंग हुआ था। ठीक है, वो अजय जडेजा, अजहरुद्दीन, ठीक है, ये लोग फंस गया था बेटिंग के चक्कर में, उन लोगों को लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट से हटा दिया गया था, फिर बाद में कुछ प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला तो उनका बैन हटाया गया या सजा कम किया गया, और दोनों के जो क्लेम था वो भी हटाया गया, लेकिन सजा जो मिलना था मिल गया। तो वेरी टैलेंटेड दो प्लेयर, मेरा बहुत ही फेवरेट था सर, एक था मोहम्मद अजहरुद्दीन, क्या प्लेयर था सर। ठीक है, कैप्टन भी था काफी दिनों तक इंडिया का, बट फंस गया था, जो भी हो किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए था। और था एक अजय जडेजा, आप लोग जानते हो इन लोगों को। ठीक है, इन लोग बेटिंग के चक्कर में फंस गया था। रिसेंट ट्रेंड में श्रीशांत बोल के एक प्लेयर है, श्रीकांत, श्रीकांत श्रीकांत नहीं श्रीशांत, जो भी हो सर, वो 2008-09 हाँ IPL में एस श्रीशांत। ठीक है, केरलियन फास्ट बॉलर है सर, बड़ा अच्छा फास्ट बॉलिंग करता था। ठीक है, अभी उसका बैन हटाया गया, वापस रणजी खेल रहा है, अभी 38 का है, 38-39 का एज हो गया उसका, उसका फिर से सर ड्रीम है। बिग बॉस, हाँ बिग बॉस में भी था शायद, मैं सुना था, मैं ये सब नहीं देखता उतना, बट सुना था बिग बॉस में था। ठीक है, तो अरे बिग बॉस क्या चाहता है, वो सब कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर को लेके ही तो बिग बॉस होता है। ठीक है, मतलब जितना कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर होगा तो वो सब कैरेक्टर को लेके बिग बॉस करेगा, तो बिग बॉस वो क्या बोला, वो क्या किया, पता नहीं क्या शो है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, जो भी हो एस श्रीशांत। ठीक है, ऐसे फेमस फेमस और भी इनफेमस केसेस है जो बेटिंग के चक्कर में इंडिया में फंसा है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेटिंग को लेके बहुत बड़ा स्टेप्स उठाया और इंडियन क्रिकेट टीम BCCI के ऊपर एक अलग टीम बनाया जो क्रिकेट में बेटिंग को समझे। सौरभ गांगुली को सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर एक मतलब बेसिकली स्पेशलिस्ट के तौर पे रखा गया कि भाई क्रिकेट में कब बेटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए एक एक दमदार प्लेयर होना चाहिए,
और सौरव गांगुली को भी इसलिए रखा गया था बिकॉज अभी बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, बट सौरव गांगुली, मैं ये बात कर रहा हूँ 2008-09 का, ठीक है, जब ये श्रीशांत का केस हुआ था, तो सौरव गांगुली और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर बेटिंग को पकड़ने के लिए, उनका जो टीम सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिकली बनाया था, तो उसको उसको इसलिए सौरव गांगुली को भी दिया था। उसका और एक रीज़न भी था कि ये जो जडेजा और अजहरुद्दीन का केस जब हो गया था, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया था, मुझे पूरा ये सब स्टोरी याद है। और सचिन बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इतना लोगों को साइज नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये जो टीम के अंदर जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ना पैसे के चक्कर में जो भी है, ये मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा। तो सौरभ को फिर सचिन ने ही रिकमेंड किया था कि आप सौरभ को कर सकते हो, उसके अंदर वो वाला एक लीडरशिप दिखता है, ठीक है। तो फिर सचिन के रिकमेंडेशंस पे ही सौरभ गांगुली को कैप्टन भी बनाया गया। अगर सचिन डिक्लाइन, क्योंकि सौरभ बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं था, उसका टीम में जगह पक्का हो नहीं हो रहा था, लेकिन उसका लीडरशिप क्वालिटी को लेकर सचिन बड़ा श्योर था, बहुत श्योर था। तो सचिन बोला कि इसको आप लीडरशिप दे दो, इंडियन टीम सुधर जाएगा। तो सौरभ गांगुली के लीडरशिप में एक्चुअली इंडियन टीम बहुत सुधर गया था, मतलब सुधर मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब एक 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 ट्रांसपेरेंसी आ गया था। तो वो जो बेटिंग वेटिंग का चक्कर होता था ना, स्पेशली 95 से लेके 99 का जो एरा है, वेरी वेरी बेकार का एरा था इंडियन क्रिकेट में, तो वो बेटिंग वगैरह को हटाने के लिए सौरभ गांगुली का लीडरशिप बहुत हेल्प किया और इंडियन क्रिकेट को एक एक अलग ही, मतलब स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह एक एक लेवल में लाया सर। तो इसलिए बहुत सारा रीजन काम करता है, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए हिस्ट्री बताया, ये सब में आप लोगों को भी नॉलेज हो सकता है बिकॉज दीज आर वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। तो जो भी हो, बेटिंग वगैरह भी अगर नॉर्मल बेटिंग से भी कोई इनकम करता है तो वो इनकम को अदर सोर्स में टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बेटिंग लीगल भी है, ठीक है, कुछ बेटिंग लीगल भी है। जैसे मानो अगर वो, जैसे क्या बताऊँ, नॉर्मली अगर देखो कोई लीगल काम कर लिया बेटिंग करके, वो अलग बात, लेकिन कुछ जैसे बेट करते ना कि भाई चलो चलो बेट पकड़ते हैं क्या होगा आगे, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का चलता है तो हम लोग देखते हैं अपनी सोसाइटी में। जैसे आप लोग आजकल एक गेम खेलते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट में ही आजकल बेटिंग गेम आया है रे, टीम बना के अपना टीम बना, ड्रीम इलेवन, ये भी तो एक तरह का बेटिंग टाइप का ही है, ठीक है। तो ये वैलिड है, नो नो इशू, इन सारे के लिए इलेवन आ जैसे बहुत सारा कंपनियां, अब इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट का केस बना था, साउथ से बना था, तमिल हाईकोर्ट ने केस किया था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने, कि ये लोग बेटिंग को प्रमोट कर रहा है सौरभ कोहली, ठीक है, फिर बाद में कुछ केस बना नहीं। टीम 11 से जाए टाका लगा अच्छे सर, तो बोलते हैं कि टैक्सेबल ही होच्छे, ওটা কি হচ্ছে, टैक्सेबल होच्छे তো, মানে ট্যাক্স দি তো আসছে টাকা, टैक्सेबल, यस टैक्सेबल, ड्रीम 11 वगैरह में जो पैसा है टैक्सेबल तो है, आधा सोर्स में टैक्सेबल तो होना ही पड़ेगा। ये जो ड्रीम 11 का पैसा है, जो भी आप लोग करते हो, बेटवे बोल के एक आया है, ठीक है, टैक्सेबल तो एकदम है, लेकिन वो एक्चुअली उसको, मतलब देख, क्योंकि ये एक स्पेकुलेशन है ना, तो आप स्पेकुलेशन को प्रमोट कर रहे हो, तो कौन प्रमोट कर रहा है, सौरभ गांगुली प्रमोट कर रहा है, ठीक है, विराट कोहली प्रमोट कर रहा है, धोनी प्रमोट कर रहा है, सचिन भी प्रमोट कर रहा है। तो इनके अगेंस्ट में किसी ने PIL ठोक दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई एज ए क्रिकेटर आप क्रिकेट को प्रमोट करो, आप स्पेकुलेशन को प्रमोट क्यों करोगे, ठीक है। बट क्योंकि मेन क्या है, ये जो ड्रीम 11 या 11 सर्किल, जो भी आप लोग बहुत सारा नाम बोल रहे हो, बेटवे बोल के बहुत सारा, तो ये सब गेम बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं, ठीक है, इसलिए हार्मफुल बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है, नशा तो है ऑब्वियसली, नशा क्रिएट करता है, लेकिन कोई जेन्युइनली नहीं बोल सकता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं, इसमें कोई एक्सपर्टाइज उतना कुछ है नहीं सर, ठीक है, लक का बात है कि किस दिन किसका टीम जीतेगा, ठीक है, इट्स टोटली लक, कौन कौन प्लेयर परफॉर्म करेगा, इसमें हार्ड एंड फर्स्ट कोई प्रॉपर रूल नहीं है। चाहे भले ही धोनी एकेडमी क्यों ना बोले, ये खेल दिमाग का है, ये सब वो सब बोलने के लिए है, बट किस दिन कौन सा प्लेयर खेलेगा उसका प्रॉपर आइडिया लगाना इतना आसान नहीं है सबके लिए, ठीक है, कोई कोई थोड़ा लगा सकता है। तो जो भी हो, कहने का मतलब है हार्मफुल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, अब मिनिमम 25%, 50%, 100 रुपीज, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बेट हो तो 10,000 इस तरह का जा सकते हो मैक्सिमम, है ना सर, मैं सही बोल रहा हूँ ना, नॉर्मली 25, 500, 50 इस तरह का ही चलता है ना। तो जो दिस वेरी नॉट वेरी हार्मफुल, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 5 लाख दिया मेरा डूब गया, ऐसा इस तरह का तो नहीं होता है मैं जितना देखा, ठीक है। तो इसलिए और गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा टैक्स का सोर्स मिल जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ बोला नहीं है, लेकिन एक चीज बोला कि
सब्जेक्ट टू मतलब ये जैसे बोलना जोखिमों से भरा है या फिर नशा लग सकता है, ये टर्म्स कंडीशन बोलता है आजकल, पहले पहले नहीं बोलता था, है ना, अपना टीम बनाओ और पैसा कमाओ, लेकिन आजकल ये भी साथ में बोलता है कि ये जोखिमों से भरा है और इसका नशा लग सकता है, ये बात भी आजकल बोलता है ना? यस सर, बोलता है सर। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस रखा, तो बाद में TIL कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट पर भी उसके देखना चाहिए, क्योंकि उतना हार्मफुल नहीं है तो मैटर उतना आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, और ये सबसे जो पैसा आता है ना, इससे गवर्नमेंट को भी पैसा मिल जाता है, ठीक है, और टीम को भी स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा है इसमें तो, लेकिन किसी इंडिविजुअल को लूटने लायक भी नहीं है, इसलिए इसको लेके ज्यादा कुछ नहीं है, बट वो लीगल पैसा बन जाता है, तो इसलिए बेटिंग एटसेट्रा भी आपका अदर सोर्स इनकम के अंदर जोड़ दिया जाएगा। सो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड इनकम एक बहुत बड़ा जगह लेगा, कैजुअल इनकम बहुत बड़ा जगह लेगा, इस तरह का इनकम पे आमतौर पे 30% के आसपास का टैक्स होता है, ठीक है, फ्लैट 30% होगा, ठीक है, और ये इनकम का जो भी लॉस वगैरह है किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता, मतलब मान लो लॉटरी का टिकट काटे हो तो लॉटरी टिकट का प्राइस जो है उसको लेस करोगे नहीं सर, कोई 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 किसी भी तरह का लॉस या मतलब कॉस्टिंग आप माइनस नहीं कर सकते। आगे आगे बताऊंगा सर ये सब चीजें, बहुत सारा बात करना है, बस अभी तो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम टैक्स में क्या क्या चीज आता है। कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, सर ये भी एक तरह का अदर सोर्स है, ठीक है, ये हम लोगों ने कैपिटल गेन के केस में भी देखा था कि अगर आपने कोई शेयर हेल्ड कर रहे हो, ठीक है, कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो, वो भी कितना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है, जो फेयर मार्केट वैल्यू से थोड़ा ज्यादा है, पर सच शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, अगर वो शेयर जो है वो प्रीमियम में इशू हो रहा है तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B में बोला है, तो ये भी एक अदर सोर्स इनकम के अंदर काउंट होगा, इसका आगे आगे हम लोगों को क्वेश्चन करना होगा तो आपको ये चीज इजी लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्यों क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज आज हम लोगों का थोड़ा आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि आप जानो कि भाई अदर सोर्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है, एक बार बस आइडिया तो ले लो, तो वही मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, जैसे मैं क्या क्या बोला आपको, डिविडेंड इनकम, अगर आप कंपनी से डिविडेंड से कमाते हो, ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इन सिंपल प्रॉफिट का पार्ट जो कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आप कंपनी में शेयर होल्डर होते हो, इन सिंपल ही है, ठीक है, डिविडेंड का मतलब बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लाभ का अंश या लाभांश, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में भी बोला जाता है लाभांश, तो बेसिकली लाभ का अंश कंपनी आपको इसलिए देता है क्योंकि आप कंपनी का कोई शेयर होल्डर बनते हो, ठीक है, आप कंपनी के शेयर्स पे पैसा लगाते हो और बदले में कंपनी आपको डिविडेंड देता है, चाहे वो प्रेफरेंस डिविडेंड हो चाहे वो इक्विटी डिविडेंड हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप कैजुअल इनकम के बारे में देख लिया जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ये भी आपका अदर सोर्स का एक बहुत बड़ा चीज है। फिर आपको मैं बोला कि कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू जो मार्केट में एक फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी अथॉरिटी के थ्रू से भाई इस पर्टिकुलर शेयर का क्या वैल्यू होना चाहिए, उसका एक ऑथराइज्ड होता है सर, जिसका एक मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू से अगर ज्यादा दाम पे अगर कोई कंपनी का शेयर आप होल्ड करते हो या फिर कंसिडरेशन रिसीव करते हो और वेर सच शेयर सर इशूड एट ए प्रीमियम, अगर वो प्रीमियम में इशू होता है तो वो भी आधा सोर्स में काउंट करना चाहिए, लेकिन इसका क्या हिसाब किताब है आगे आगे क्वेश्चन करके देखेंगे सर। पॉइंट नंबर 4 में आ गया सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन डीम्ड टू बी इनकम इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड, मतलब कई बार क्या होता है हम लोगों को किसी भी रीजन से कंपेंसेशन मिल सकता है, सर कैसे कंपेंसेशन मिल सकता है, जैसे एक सिंपल तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कंपेंसेशन इन द वे से, फॉर एग्जांपल आपने कोई जमीन बेचा, ठीक है, जमीन बेचा, गवर्नमेंट आपसे जमीन छीन लिया एक तरह से, ठीक है, भाई यहाँ पर मेट्रो लाइन होगा तो आपको कंपेंसेट कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है सर, ये तो कैपिटल गेन में भी आ सकता है, ये सर ये कैपिटल गेन में भी आ सकता है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मानो कि किसी कारण से वो कैपिटल गेन में आप नहीं शो किए, ठीक है, या फिर आपके लिए वो कैपिटल गेन नहीं रहा क्योंकि किसी किसी केस में वो कैपिटल एसेट नहीं होता है, ठीक है, जैसे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह हो गया, लेकिन आपको किसी तरह का इन कंपेंसेशन मिलता है, या फिर मानो कई बार कैसा क्या होता है एनहांस्ड कंपेंसेशन, एनहांस्ड कंपेंसेशन इन द सेंस, ये तो बस मैं गवर्नमेंट का एक बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी रीजन से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ने आपका कोई प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का डैमेज किया या फिर आपको बोल रहा है कि भाई आपको यहाँ पर बिजनेस नहीं करना है, तो बदले में आपको कंपेंसेट करता है कि भाई तुम कंपेंसेशन ले लो और भाई यहाँ से हटो,
तो ठीक है आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंपेंसेशन, जो भी तरह का कंपेंसेशन आप लोगे, ठीक है, कंपेंसेशन तो समझते हो ना, किसी का लॉस को कंपेंसेट करना, ठीक है, किसी का किसी भी तरह का लॉस को कंपेंसेट करना, मतलब इसको बंगाली में क्या बोलूं मैं, मतलब बंगाली या हिंदी में क्या बोल सकता हूँ, कंपेंसेट करना, मतलब सर थोड़ा किसी का अगर आ रहा है तो बोल सकते हो कंपेंसेट करने को, भुगतान करना, ठीक है, कि भाई इसका कोई लॉस हो रहा है, इसका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो बदले में हम उसको कुछ पेमेंट करें, ठीक है। जैसे मानो कि मैं जैसे लैंड ओनिंग के केस में बोला, ठीक है, ये कंपेंसेशन का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है। जैसे मानो कि बहुत बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट मेट्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन बन रहा है ना भारत में, बुलेट ट्रेन अपना पहला प्रोजेक्ट बन रहा है सर, मुंबई टू गुजरात, ठीक है, मुंबई टू गुजरात का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, तो अभी ये बना नहीं है तो, बट बहुत जल्दी जल्दी चालू हो जाएगा, आई थिंक 2025 तक चालू हो जाएगा सर, ठीक है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, हाँ सर वही वही वाला रास्ता है। तो जो भी हो, अब आपको मैं जो बोलना चाहता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल जैसे बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए सर, ठीक है, एकदम डेडिकेटेड कॉरिडोर, बीच में कोई लेवल क्रॉसिंग वगैरह ये सब सब अंडर वे से होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो गेट खुलेगा फिर ट्रेन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए, उसमें ट्रेन एकदम भागेगा ना 300 किलोमीटर स्पीड में भागेगा सर। सेकेंड प्रोजेक्ट है, जितना मैं सुना हूँ, मुंबई कलकत्ता से बनारस का प्रोजेक्ट है सर, कलकत्ता से बनारस और बनारस से दिल्ली, मतलब यहाँ से दिल्ली आप एक दिन में जाके वापस आ सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो अगर बुलेट ट्रेन बन गया तो क्या होगा, वन डे दिल्ली जाके वापस आ सकते हो। ऐसे नॉर्मली राजधानी ले लेता है 17 to 20 hours, ठीक है, तो दिल्ली जाने में यहाँ से राजधानी सबसे फास्ट जाता है, लेकिन अगर बुलेट ट्रेन हो जाएगा तो आप 4-5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाओगे, 6 से 7 घंटे में दिल्ली पहुँच जाओगे, ऐसा 300 किलोमीटर में जाएगा तो हाँ ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है, 6-7 घंटा दिल्ली पहुँचोगे, फिर 7 घंटे में काम करके वापस, सर क्या दिन होगा सोचो एक बार। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। अच्छा तो अब ठीक है, होगा तो होगा, जब होगा देखा जाएगा, बट कहने का मतलब है जिस एरिया से भी ये ट्रेन निकलेगा ना, यहाँ पर किसी का घर वगैरह हो सकता है ना सर, तो अगर इनको जैसे मानो किसी का जमीन हो सकता है तो उनको कंपेंसेट करेंगे, लेकिन कंपेंसेशन एनहांसमेंट क्या है सर, ठीक है, कंपेंसेशन एनहांसमेंट क्या है, कंपेंसेशन एनहांसमेंट वो होता है मानो कि जिनको जमीन के लिए भुगतान दिया गया या कंपेंसेट किया गया वो कोर्ट में केस कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों को जो कंपेंसेशन मिला है, से फॉर एग्जांपल इस जमीन के बदले गवर्नमेंट का इसका मानो कि दाम था 1 लाख, गवर्नमेंट ने उनको दिया मानो 80,000, ठीक है, एक एक दिस आम एग्जांपल दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने अगर जमीन के बदले उनको 80,000 दिया 1 लाख की जगह, तो इन्होंने केस कर दिया और बोला कि हम लोगों को 20,000 करके कम मिला है, तो फिर कोर्ट उसको डिसाइड करेगा कि क्या सच में वो हुआ है, वैल्यूअर से वैल्यू करेगा, और फिर एक्स्ट्रा जो एनहांस्ड हो गया सर, जो 80,000 की जगह जो एक्स्ट्रा और 20,000 बाद में दिया जाएगा, तो ये से फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन में नहीं आया, ठीक है, तो फिर क्या करोगे उसको, ये जो कंपेंसेशन आपको मिल जाएगा इसको अदर सोर्स में लाना पड़ेगा। तो ये बस एक एग्जांपल के दिया मैंने, ऐसे डिफरेंट रीजन में कंपेंसेशन किसी को दिया जा सकता है। डोंट वरी सर, हम लोग आगे आगे ऐसे एनहांस कंपेंसेशन वगैरह का क्वेश्चंस भी करेंगे, जो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी 56 सबसेक्शन, हाँ सही बोला सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन, ठीक है, अच्छा कंपेंसेशन पे भी इंटरेस्ट मिल जाता है, ये इंटरेस्ट का भी बात है सर इसमें, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस कंपेंसेशन, ठीक है, मतलब आपको देरी करके मिल रहा है तो आपको इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। नॉर्मल कंपेंसेशन तो आपको कैपिटल गेन में आ जाता है, लेकिन अगर कंपेंसेशन के साथ इंटरेस्ट, मतलब कंपेंसेशन का इंटरेस्ट, मतलब जैसे मैं आपको क्या बोला, मानो कि गवर्नमेंट ने देरी किया कंपेंसेट करने में, ठीक है, मैं इंटरेस्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा मिस कर गया सर, अगर गवर्नमेंट ने दिया आपको, बोला कि भाई 1 लाख देंगे लेकिन देने में देरी कर रहा है, ठीक है, कि देगा बोल के देरी कर रहा है, या 10 लाख देगा पर देरी कर रहा है, तो इसका भी रूल है, इसका इसके लिए भी कोर्ट होता है, सरकार है बोल के कुछ नहीं, या फिर अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपना जमीन ले रहा है, ठीक है, जैसे टाटा ने सिंगूर में जमीन लिया था, ये तो बड़ा पॉपुलर केस है, आप लोग जानते हो, है ना, बुलेट ट्रेन तो अभी भी इतना झमेला वाला नहीं है, जैसे टाटा और सिंगूर का केस वेरी फेमस केस सर, हाँ वेरी फेमस नहीं बोलूंगा, इनफेमस ही है, बंगाल का किस्मत खराब हो गया। हाँ सर, टाटा ने सिंगूर में जो जमीन खरीदा था नैनो फैक्ट्री या गाड़ी का फैक्ट्री बनाने के लिए, तो ये फैक्ट्री टाटा ने लिया था पश्चिम बंगाल सरकार के थ्रू से, CPIM गवर्नमेंट था ऑन दैट टाइम, ठीक है, फिर ममता दीदी ने अपना पॉलिटिकल झंडा गाड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज दीदी ने ये क्लेम कर दिया कि ये सब एग्रीकल्चरल लैंड है और आप इंडस्ट्री के लिए नहीं ले सकते,
फिर एक बाइफर्केशन क्रिएट हो गया, एक एक पार्टी बन गया इंडस्ट्री के तरफ से, एक पार्टी बन गया एग्रीकल्चर के तरफ से, ठीक है कि भाई नहीं खेती वाला जमीन है, तीन बार फसल होता है, आप नहीं कर सकते, इनके बीच में फंस गया टाटा, ठीक है। लेकिन टाटा ने ये सब क्या किया, सबको कंपेंसेट किया सर, सभी लैंड ओनर्स को कंपेंसेट किया। लेकिन अगर मानो कि कभी ऐसा हुआ कि कंपेंसेट करने में जो पैसा है वो देरी करके मिल रहा है, तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ठीक है, देना था 5 लाख लेकिन देरी हो रहा है, एक साल से भी ज़्यादा देरी हो गया, कुछ कारण से डिस्प्यूट हो गया, तो 5 लाख का से फॉर एग्जाम्पल 5% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ऐसा कोर्ट डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो कोर्ट अगर डिक्लेयर करता है इंटरेस्ट के साथ मिलेगा या इनहेंस कंपेंसेशन मिलेगा, इस तरह के केस में आपको उसको आधा सोर्स इनकम मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है सर? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू था इसलिए मैं थोड़ा 3-4 एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ा, बट क्या आप लोगों को समझ में आ गया? इतना भी टफ कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब ये सब रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है सर, रियल लाइफ में ये सब चीजें होते रहते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि चारों तरफ क्या हो रहा है खबर रखो, क्या चल रहा है जानो, इससे क्या होगा, ये सब किताब में लिखा हुआ पॉइंट आपको किताबी पॉइंट नहीं सर, रियल पॉइंट महसूस होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब हमेशा कनेक्ट रहो सर, उसे बोलते ना जुड़े रहो, ठीक है, मिट्टी के साथ जुड़े रहो सर, ख्याली पुलाव के साथ जुड़ने से कोई फायदा नहीं, मतलब हॉलीवुड मूवी की तरह ना मत सोचो, ये हॉलीवुड वाले का जो सोच है ना उसके साथ मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, कनेक्ट नहीं हो पाता, मतलब क्या चीज बताते हैं उसके साथ रियल लाइफ में क्या कनेक्शन है, मैं कई बार सोचने पड़ता हूँ, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, देखने में सच में अच्छा लगता है, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्पाइडरमैन, क्या रियल लाइफ में स्पाइडरमैन कुछ हो सकता है ऐसा, मैं समझ नहीं आता मुझे, तो जो Avengers. भी एवेंजर्स अभी बहुत बहुत है, ऐसा ऐसा कीड़ा मकोड़ा बनाता है, इस तरह का एनिमल्स बनाते हैं, समझ नहीं आता इसका कनेक्शन, कुछ तो होना चाहिए बट कुछ कनेक्शन दिखता नहीं है, जो भी हो ये हॉलीवुड ही कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है आप हॉलीवुड लवर हो सकते हो बट फिर भी आप इंडियन लवर भी बन जाओ, जुड़े रहो सर, ठीक है। पॉइंट फोर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन एनहांस्ड कंपेंसेशन डिमिनिंग इनकम ईयर ऑफ रिसीव्ड, अच्छा, एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, हाँ ये वाला बात तो मैं आप लोगों को कैपिटल गेन में भी बोला था, याद है, हाँ कुछ दिन पहले ही कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये वाला पॉइंट पढ़ा। yes, मानो कि आपने किसी से जमीन लेने के लिए किया, शिवम का एग्जाम्पल था क्या, क्या एग्जांपल था बोल, अरे वो कहा था ना कि आप में से मतलब 50 लाख का जमीन लोगे, 30 लाख मैंने खरीदा था, फिर उसमें आपने कुछ एडवांस दिया था, यस यस शिवम से एग्जांपल बना था, जैसे मानो लैंड फॉर सेल, हाँ ये इसी तरह का कोई जमीन है, ठीक है, मानो कि ये शिवम का मेरा जमीन है, शिवम मेरे से खरीदने के लिए आया, ठीक है, शिवम मेरे से खरीदने के लिए आया और मैंने शिवम को बोला कि ठीक है खरीदना है देख के जाओ, तो शिवम आते ही तो नहीं ले लेगा ना, तो थोड़ा बुकिंग मनी जमा करके गया, ठीक है, एडवांस बोलते हैं उसको, अर्नेस्ट मनी भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो सर, अर्नेस्ट मनी, नॉट जस्ट लैंड के केस में होता है, ये बिल्डिंग के केस में भी होता है, अर्नेस्ट मनी या फिर एडवांस मनी। तो एडवांस देखिए क्या होता है ना, वो एक तरह का बुकिंग होता है, ठीक है, कि भाई आप मेरे को ही सेल करना, ठीक है, लैंड फॉर सेल है, शिवम ने आया मेरे को बोला कि सर आपका जमीन मुझे लेना है, तो शिवम मेरे को इस जमीन का दाम मानो 50 लाख है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 5 लाख, अच्छा yes, और कम कर, ठीक है 5 लाख थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, मैं 1 लाख कर देता हूँ, ठीक है, 1 लाख शिवम ने मेरे को दिया और बोला कि बाकी 49 लाख शिवम मुझे 2 to 3 months 2 से 3 महीने के अंदर हमको पेमेंट करेगा, ठीक है। ऐसा होता है सर, फ्लैट खरीदने जाओ ऐसा होता है, लोन में फ्लैट खरीदते हैं ना जो लोग, ठीक है, तो यह लोन क्यों, एग्रीमेंट टू सेल होता है, ठीक है, कि भाई मैं आपका घर लेना चाहता हूँ या फिर आपका जमीन लेना चाहता हूँ, तो पहले एक एक बौनी करना पड़ता है, बेसिकली बौनी मतलब कहने का मतलब है बुकिंग मनी दीता है सर, सिक्योरिटी मनी नहीं बोल सकते इसको, एडवांस मनी बोल सकते हो, इट्स नॉट सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी होगा तो वो उसको लौटाना होगा, सिक्योरिटी मनी मतलब लौटाना होगा, बुकिंग मनी दीता है सर, बुकिंग मनी, हाँ यू कैन से इट्स अ बुकिंग मनी, ठीक है, और ये बुकिंग मनी को एडवांस बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो ये एडवांस जानता है ना,
कि इतना पेमेंट करना होगा, वो अलग अलग एसेट्स का अलग अलग हो सकता है। जैसे पापा जैसे फॉरेस्ट में गवर्नमेंट फॉरेस्ट के साथ काम करते हैं, तो फॉरेस्ट का अपना रूल्स है, ठीक है, कि भाई आपको 25% देना है, 30% देना है, तो ये एसेट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नॉर्मल अगर जमीन या घर का फ्लैट वगैरह का बात करूँ, बिल्डिंग फ्लैट जमीन का बात करूँ, जो पॉपुलर प्रैक्टिस है, इसमें नॉर्मली 10% का प्रैक्टिस है पूरा भारत में, ठीक है, कि भाई अगर आपको लेना है 10% जमा करो, बाकी 90% आप लोन करके दो या फिर जैसे करके देना चाहते हो धीरे धीरे आप पेमेंट करो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, 30% वाला केस भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर एसेट्स के केस में अगर ऐसा बात है तो होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एडवांस लेवल होता है, से फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं 1 लाख का बात किया, कि 1 लाख जो है ये 1 लाख अगर शिवम मुझे तो अभी दे दिया, लेकिन अगर 2 मंथ्स के अंदर अगर शिवम ने जो टाइम लिया था, अगर 2 मंथ्स के अंदर शिवम ने मेरे को ये पेमेंट नहीं, बाकी पेमेंट नहीं करता है 49 लाख का, ठीक है, तो ये 1 लाख उसका फॉरफिट हो जाएगा सर, ये 1 लाख शिवम का फॉरफिट हो जाएगा, बस यही कहना है सर। और ये फॉरफिट हो जाएगा मतलब ये मेरे लिए सर के लिए क्या हो जाएगा सर, हाँ बोलो, नहीं ये शिवम को फिर वापस नहीं मिलेगा, ये फॉरफिट है, ठीक है, क्योंकि ये तो बायर का ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, शिवम बायर है ना, शिवम का ये ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको वापस नहीं मिलेगा, इतना डर तो होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन सर बायर को डर के सेलर को डर होता है, हाँ सेलर को भी डर होता है, मानो कि मैंने शिवम से 1 लाख ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने शिवम को बाद में बोला कि मैं शिवम को नहीं सेल करूंगा या फिर मुझे सेल नहीं करना है, अगर मैंने मुकर गया तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा जानते हो, नॉर्मल प्रैक्टिस जो है ये सर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताऊंगा, CS के अंदर है प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ज्यादा, मैं बताऊंगा तब, बट फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। ऐसे मानो कि अगर मुझे आप जैसे बायर को तो 1 लाख परफिट हो जाएगा, तो फिर सेलर के केस में क्या हो सकता है, अगर सेलर मुकर गया तो, ठीक है, तो सेलर का 1 लाख तो बायर को वापस करना होगा, ठीक है, साथ में और 1 लाख, मतलब जितना टोटल वैल्यू का अगर मानो ये 10% था, तो 1 लाख नॉर्मल एक सेंस बता रहा हूँ, 1 लाख तो उसको वापस देना ही पड़ेगा और 1 लाख उसका पेनल्टी लगेगा, ये जिसका जैसे कि ये शिवम का 1 लाख है, मुझे 1 लाख शिवम को वापस करना है, सिंपल बात है, और साथ में और 1 लाख मुझे उसको पेनल्टी के तौर पर देना है, क्योंकि ये 1 लाख तो शिवम का ही है, ये तो मेरा है नहीं, है ना, तो ये तो मुझे शिवम को वापस करना है क्योंकि मैं जमीन उसको नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे साथ में उसको और 1 लाख क्या करना है, पेनल्टी देना है। जैसे शिवम का भी 1 लाख लॉस होगा ना, मेरा भी 1 लाख लॉस होना चाहिए, तो ये जो 1 लाख का लॉस ये मेरा है, सेलर का है, अगर मैं शिवम को नहीं बेचता हूँ, अगर मैं शिवम के साथ ब्रिज करता हूँ, तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है ये, वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। तो ठीक है, अभी मैं सेलर के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं बेसिकली कहने का मतलब है कि जो सेलर है उसको वो जब भी फॉरफिट कर लेता है, जैसे मानो शिवम का 1 लाख मैंने फॉरफिट कर लिया क्योंकि शिवम ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो वो फॉरफिट का पैसा मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, जमीन मेरा कैपिटल एसेट है कि नहीं सर, बोलो, जो जमीन है वो मेरा कैपिटल एसेट है, बिल्कुल, तो कैपिटल एसेट मैंने शिवम को बेचने के लिए गया था, शिवम मेरे को 1 लाख एडवांस किया था, लेकिन शिवम मेरे को 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम मेरे से लिया था या जो भी हम लोगों का एग्रीमेंट टू सेल बना था, अगर प्रोमोटर का देरी होता है, से तो नहीं भेज, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अगर प्रोमोटर देरी करता है, अगर चार बजे पांच बजे टाइम लग गए झूला ऐसे जो सीखते से, तो इन दैट केस प्रोमोटर को वो एग्रीमेंट में लिखा होना पड़ेगा, वो प्रोमोटर के साथ, ठीक है, बिल्डिंग प्रोमोटर के साथ तुम्हारा क्या एग्रीमेंट बना था उस पर डिपेंड करता है, कि अगर प्रोमोटर देने में देरी करता है, ठीक है, अगर प्रोमोटर देने में देरी करता है तो फिर आप क्या पेनल्टी लगाओगे या फिर क्या इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वो आपको पहले से मेंशन करना होगा, उसके बेसिस में होगा, सिंपल बात है, कि या तो मेरा पैसा वापस चाहिए, ठीक है, लिखना पड़ेगा ना कि भाई मैम क्या पेनल्टी, नॉर्मली पेनल्टी तो चार्ज होगा कि भाई क्योंकि आप भी तो उनको पेमेंट कर रहे हो, एडवांस दे रहे हो, अगर वो आपको टाइम पे अगर वो आपको टाइम पे बना के नहीं देगा तो फिर आपका भी तो लॉस है, ठीक है,
চার পাঁচ যদি টাইম লাগলো তাহলে সেই টাকাটা তোর কাছে পড়েই থাকলো না। হ্যাঁ একদম না, তো ও ইন্ডেমনিটি কে লিয়ে আপ আপনা জো ভি ক্লেম করনা চাওগে কি ভাইয়া তো মেরে কো পয়সা ওয়াপস চাহিয়ে ইয়া ফির মেরে কো ইন্টারেস্ট কে সাথ পয়সা ওয়াপস চাহিয়ে কুছ ভি আপকো, ইয়া ফির বিল্ডিং কা দাম কম করনা পড়েগা আপকো, কুছ ভি কন্ডিশনস রখনা তো পড়েগা, ও আপকো এগ্রিমেন্ট টু সেল করনে কে টাইম ভি বতানা পড়েগা, হ্যাঁ না, ও আপকো এগ্রিমেন্ট টু সেল করনে কে টাইম ভি, এসে ম্যাটার মে লয়ার আপকো জ্যাদা হেল্প কর পায়েগা, বহুত সারা ক্লজেস হোতা হ্যায় ইসমে, ঠিক হ্যায়। সম্পাদ अभी लॉयर नहीं बनना है हमें, चलो इनकम टैक्स में चलते हैं। अब संपत बैठे बैठे सब कुछ खोज ले लेगा कि सर क्या होगा नहीं होगा, सर वो प्रॉपर्टी लॉ भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ग्रुप टू में अंदर सी एस एग्जीक्यूटिव में, तब भी थोड़ा बहुत बात जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा तो एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, ठीक है, तो ये जो एडवांस फॉरफिट कर लिया ना सर, ये एडवांस किसने फॉरफिट कर लिया, सेलर ने, जैसे यहाँ पर मैंने शिवम को किया था तो मैंने फॉरफिट कर लिया ऐसा, तो इसका कैपिटल गेन में क्या कॉन्सेप्ट था, इसका कैपिटल गेन में ये कॉन्सेप्ट था कि कैपिटल एसेट का जो दाम है ना उसका कॉस्टिंग कम हो जाता है, ठीक है, वो सेक्शन 54 का एरिया था, मैंने आपको वहां पर बोला था कि से फॉर एग्जाम्पल वो कैपिटल गेन में क्या होता है कि अगर मानो कि कोई जमीन है जिसका मैंने खरीदा था 50 लाख में, और ये जमीन को सेल करने के लिए मैंने शिवम को 1 लाख शिवम से मैंने एडवांस ले लिया था, लेकिन शिवम ने मेरा पैसा वापस नहीं दिया, तो मेरा जो जमीन का खरीदा हुआ दाम है ना कैपिटल गेन बोलता है कि इस 50 लाख का जमीन का दाम एक्चुअली 50 लाख नहीं है, 1 लाख के हिसाब से और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जो भी होगा, ठीक है, उस दाम पे इसको कम कर दो, तो मेरा परचेस प्राइस हो जाएगा 49 लाख। ऐसा करने से क्या होगा, मेरा कैपिटल गेन जो है ना वो मेरा बढ़ जाएगा, ये इनकम टैक्स को फायदा, ये मैंने सिखाया था कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर, जिन लोगों ने कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ा है उनको जरूर पता होगा, अगर नहीं पता तो भूल गया तो वो वाला एरिया फिर से देखे, ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा सर, ठीक है। सो ये तो कैपिटल गेन के अंदर होता है, अगर नॉर्मल बात देखा जाए तो ये फॉरफिट जो पैसा है, ठीक है, ये फॉरफिट अगर आदर सोर्स में देखते हो तो ये आदर सोर्स में ट्रीट कर लिया जाता है, ठीक है, सेम ईयर में आदर सोर्स में ट्रीट करके उसमें टैक्स चढ़ा दिया जाता है। जैसे मैंने 1 लाख शिवम से अगर ले लिया तो ये 1 लाख मेरा आदर सोर्स इनकम हो जाएगा, और इसको उसी पर्टिकुलर ईयर में जिस साल मैंने फॉरफिट किया उसी साल इसका टैक्सेबिलिटी कर देंगे। बोलो सर, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसी तरह से वैरायटीज ऑफ मैटर इसके अंदर आता है, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर पॉइंट सर ये सब। सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, आगे आगे क्वेश्चन में बताएंगे। Compensation or other payment due to or received by any person in connection with termination of his employment or the modification of the terms of the condition relating thereto, 56 subsection 2 clause 11। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मानो कि आपका employment terminate हो रहा है, ठीक है, voluntary retirement type का भी होता है जैसे salary में देखा जाता है ना, तो वैसा ही यहाँ पर क्या बात है, आपको compensation किया जा रहा है, compensation or other payment due to or received by any person इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट किया जा रहा है और बदले में आपको कुछ कंपेंसेट किया जा रहा है, जैसे VRS टाइप का, बट वॉलेंटरी रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सैलरी चैप्टर में लिया जाता है सर, ठीक है, लेकिन वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट छोड़ के भी कई बार ऐसे होते हैं कि टर्मिनेशन के कारण आपको कंपेंसेशन मिलता है। द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू, जो भी अगर मॉडिफाई हुआ है कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, फॉर एनी रीजन अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा, आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट मतलब क्या, आपका जॉब था, जॉब अभी आपका आपको हटाया जा रहा है, या फिर आपको जब से जॉब से जाने के लिए बोल रहा है, जैसे मानो कि कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, ऐसे होता है ना जॉब लाइन में, जो लोग जॉब में जाते हैं, जैसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करता है एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई आप 1 ईयर के लिए मेरे साथ आपको काम करना ही पड़ेगा, 1 साल के बीच में आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते, अगर आप छोड़ते हो तो फिर आपको भी कुछ पेनल्टी लगेगा, लेकिन सिमिलर बात तो एम्प्लॉयर पे भी लगता है कि अगर एम्प्लॉयर ने 1 साल के अंदर एम्प्लॉय को जाने के लिए बोला तो, क्या बात समझ में आया सर, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, एम्प्लॉयर भी तो एम्प्लॉय को जाने के लिए बोल सकता है, तो इन दैट केस उनके बीच में भी एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी कारण से टर्मिनेट करता है जॉब से, ठीक है, तो इन दैट केस उन्हें भी कंपेंसेशन मिल सकता है, ठीक है, तो ये सब कंडीशंस के साथ अगर आपको कुछ इनकम होता है तो वो भी आपका अदर सोर्स में काउंट होना चाहिए। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। फॉलोइंग इनकम इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, अब आ गया सर थीन लाइन, ठीक है, थीन लाइन में आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ, थीन लाइन इसलिए है क्योंकि नॉर्मली साउंड लाइक पीजीबीपी, बिकॉज ये सच में पीजीबीपी का एरिया अभी बात करूंगा मैं आपको, पीजीबीपी इन द सेंस
जैसे कि आप सबको पता होगा इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे शुरू में बोल रहा था, सैलरी हेड, बिजनेस प्रोफेशन हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, है ना। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का क्लास करने से ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों का बेसिक्स अभी भी नहीं हुआ, मैं उनको क्लास शेयर किया या फिर करना है, अगर नहीं किया तो प्लीज एक बार कर लीजिएगा। तो अगर आप पीजीबीपी का कोई इनकम है आपका, द फॉलोइंग इनकम इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर पीजीबीपी हेड में आपने वो इनकम चार्ज नहीं किया तो फिर वो आपको अदर सोर्स में आ जाएगा। भाई सिंपल बात है, इनकम टैक्स तो आपको कहीं से नहीं छोड़ना चाहता। इनकम टैक्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ही मकसद है, ठीक है, कि भाई अगर उसको इनकम टैक्स मिलेगा, ठीक है, अगर उसको इनकम टैक्स मिलेगा तो उधर नहीं तो इधर दे दो, ठीक है। तो अगर पीजीबीपी में आपने मिस कर गया तो फिर आधा सोर्स में दे दो। जैसे ऐसा क्या क्या कंडीशंस में ये सिचुएशंस क्रिएट होता है ये जानना बहुत जरूरी है। एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर, एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज ए कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉई। मतलब ये पैसा किसको कौन दे रहा है? एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को रिसीव हो रहा है, किससे? एम्प्लॉइज से। सर प्रोविडेंट फंड वगैरह जो बनता है, जो लोग सैलरी चैप्टर पढ़े हो वहां पर भी मैंने बताया, प्रोविडेंट फंड में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, रिकॉग्नाइज्ड आरपीएफ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे एक मैंने गुल्लक बना के सिखाया था, आई होप आप लोगों को याद होगा, प्रोविडेंट फंड का गुल्लक बनता है, उसमें कुछ पैसा एम्प्लॉई देता है, जो लोग सैलरी पढ़ चुके हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा बाद में जब सैलरी पड़ेगा तब देखेगा फिर से, कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई देता है और कुछ पैसा एम्प्लॉयर देते हैं। नॉर्मली एम्प्लॉयर वाला जो होता है वो टैक्सेबल होता है, एम्प्लॉई का खुद का जो है वो एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसे से, ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, सुपर एनुएशन फंड हो, लेकिन वो पैसा एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय के वेलफेयर में यूज करता है। लेकिन इसमें एम्प्लॉयर जैसे खुद भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय से भी लेता है कि भाई बोलता है कि भाई मैं 100 दे रहा हूँ, तुम भी 100 दे दो, पर तुम्हारे ही काम पे आएगा। लेकिन ये पैसा, ये जो इनकम है, ये बेसिकली बिजनेसमैन का जो एम्प्लॉयर है उसका खर्चा होना चाहिए था। लेकिन ये खर्चा अगर आप एम्प्लॉय से उठाते हो तो आपके लिए एक तरह का इनकम माना जाएगा, ठीक है। इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉई, मतलब अपने ही, मतलब जिनको जॉब में रखे हैं उन्हीं के वेलफेयर के लिए वो खर्चा करेगा, तो ये पैसा वो किससे ले रहा है? एम्प्लॉई से ही ले रहा है, एम्प्लॉयर ले रहा है एम्प्लॉई से, तो उसको आधा सोर्स में ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली ये बिजनेस में होना चाहिए था, लेकिन ये आधा सोर्स में आ जाएगा अगर वहां पर नहीं है। इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, अगर ये बाई चांस पीजीबीपी में आपने नहीं चार्ज किए, ठीक है, अगर आपने बाई चांस इस इनकम को पीजीबीपी में दिखाया नहीं, तो फिर आप इसको आधा सोर्स में अभी दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिला है, ठीक है, मतलब डिबेंचर्स वगैरह में कोई भी आपने अर्निंग किया, अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब आपने डिबेंचर इशू किया, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट मिला, मतलब आप किसी को डिबेंचर दिए, और अगर आप वो बिजनेस के तौर पे करते हो कि भाई मैं लोगों को लोन देता हूँ, ठीक है, डिबेंचर देता हूँ, इस तरह का बॉन्ड देता हूँ, ठीक है, तो आप बदले में उनको क्या देते हो? लोन देते हो बेसिकली, और बदले में इंटरेस्ट से कमाते हो। लेकिन अगर आपका ये बिजनेस इनकम में नहीं शो किए तो फिर आधा सोर्स में दिखा दो। आप बात समझ रहे हो सर? अगर सिक्योरिटीज प्रोवाइड करके लोगों को लोन प्रोवाइड करना, डिवेंचर, सिक्योरिटीज क्या होता है? डिवेंचर्स, शेयर्स, ये सब क्या होता है? ये सब सिक्योरिटीज होता है सर, सिक्योरिटीज बोलते हैं। जो लोग सिक्योरिटी मार्केट लॉ का पढ़ाई कर रहे हो आजकल, जो लोग स्पेशली देखो ये सीए फाइनल, सीएमए फाइनल में भी सिक्योरिटीज मार्केट लॉ पढ़ना पड़ता है, और सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में भी इसको पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटीज के बारे में तो एक पूरा डिटेल्स वहाँ पर है। नॉर्मल सिक्योरिटीज के बारे में आप लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ते हो, कंपनी लॉ के अंदर भी आप लोग सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये सब क्या हो जाता है सर? नॉर्मली ये सब सिक्योरिटीज होते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अभी मिल रहा है तो सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो आधा सोर्स में नॉर्मल दिख ही जाता है सर। लेकिन अगर मानो कि किसी का ये बिजनेस है, किसी का ये बिजनेस है लोगों को इंटरेस्ट सिक्योरिटीज देना, बदले में इंटरेस्ट में इनकम करना, तो अगर आप पीजीबीपी में दिखाते हो तो फिर ठीक है, फिर आधा सोर्स में मत दिखाना। लेकिन अगर पीजीबीपी में नहीं है, ठीक है, इफ नॉट पीजीबीपी, ये जो पूरा सेक्शन, ये जो पूरा टॉपिक चल रहा है अभी, ये वही टॉपिक चल रहा है कि अगर पीजीबीपी में नहीं देते हो, इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, देन यू कैन चार्ज इट हियर, मतलब आपको इनकम के तौर पे अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड सर, बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द थिन लाइन, दिस इज द थिन लाइन, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और क्या हो सकता है सर? सर इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट और आउट और हायर ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, सर ये क्या होता है? सर कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, कुछ बिजनेसेस भी ऐसे होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि अपने ही बिजनेस में, मतलब मशीन्स वगैरह होता है जिसको ना भाड़े पे देते हैं। लेट आउट का मतलब क्या है?
लेट आउट का मतलब होता है भाड़े पे मशीन वगैरह देना, है ना सर, भाड़े पे मशीन देना। जैसे कि गांव साइड में, अगर आप लोग जानते होंगे, मैं गांव का बात कर सकता हूँ कि सब मैं बचपन में देखा था, शहर के आने के बाद तो सर ये सब बड़ा नॉर्मल बात है कि मेरा मशीन इसको भाड़े पे दे देना, उसको दे देना। गांव में एक बड़ा फेमस चलता है जनरेटर भाड़े पे देना, किसी को पता है सर? शहर में भी होता है यस सर, बट गांव साइड में जनरेटर रेंट देने का ना एक मतलब बहुत ही पुराना कल्चर है, बहुत पुराना। क्योंकि गांव में क्या है ना, ये नहीं होता, दो तीन करंट का प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिसिटी हर गांव में पहुंचा नहीं है, ठीक है, ऐसा जनरेटर नहीं दे बाबा, ऐसा जनरेटर, ये तो हाईफाई जनरेटर दिख रहा है, इस टाइप का जनरेटर, ठीक है, इस टाइप का जनरेटर होता है गांव साइड में, खेती में स्पेशली फार्मर्स के लेवल में तो बहुत दिखता है, ठीक है। फार्मर्स एक जिसके एक एक ने मानो जनरेटर खरीद लिया, ठीक है, फिर अभी बाकी लोगों के जमीन में पानी देने के लिए इसका इस्तेमाल करना, ठीक है, पावर टूलर भी ऐसे करते हैं भाड़े वो पे। वो अलग होता है सर, वो सेम ऐसा ही दिखता है पर वो अलग होता है थोड़ा, जो पानी जनरेट करता है। हाँ 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 मैं पता है, बस एक तू सही बोला, पानी जनरेट करना थोड़ा अलग होता है, बट देखने में ऑलमोस्ट सेम, मतलब मैं कहने का मतलब है जनरेटर तो है कहीं ना कहीं, वो पानी जनरेट करे और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, वैसे कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जनरेटर या मशीन वगैरह भाड़े पे देना, ठीक है, ये बहुत लोगों का काम है सर, ठीक है, बिजनेस भी है, आप समझ रहे हो ना, एसेट हायर मतलब लेट आउट पे देना, मेरे पास इतना सारा एसेट्स है और इसको आप लेट आउट करते हो, और लेट आउट कर करके बहुत जगह में यूज होता है ये सब, मैं बोला ना ऑब्वियसली, ये तो तुम ये मशीन तो छोटा मोटा हो गया, लेकिन आजकल तो ये सब बड़े बड़े जनरेटर है ना सर, आजकल तो ये सब इंडस्ट्रियल जनरेटर यूज होता है बड़े बड़े लेवल में, स्पेशली सिटी में देखोगे तो ये सब जनरेटर यूज होता है, हाँ, बैंक वगैरह में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, हाँ, वो मशीन क्या करते हैं, सब भाड़े पे देते हैं किर्लोस्कार वगैरह का, मैं देखा बहुत जगह में, आप लोग भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये तो कोहलर भी, ये भी बड़ा फेमस कंपनी है, तो इस तरह का जनरेटर वगैरह या कोई भी मशीन, एनीथिंग, इवन फर्नीचर्स भी हो सकता है, ठीक है, फर्नीचर्स भी हायर पे, इवन तो मैं तो इस बार तो एक गजब चीज सुना सर, मेरे को पता नहीं था, ये नॉलेज नहीं था, ये ज्वेलरी होता है ना, लड़की लोग शादी करते हैं, आप लोगों को पता है ज्वेलरी रेंट पे मिलता है? हाँ, बहुत दिन से वो, मेरे को ये नॉलेज इतना था नहीं, रिसेंटली मेरे को पता चला कि किसी एक रिलेटिव्स में था, तो बोलता है कि ज्वेलरी खरीदना क्या है, ज्वेलरी रेंट पे मिलता है, मतलब ये सब जो भारी ज्वेलरीज होते हैं, गोल्ड का नहीं होता, गोल्ड प्लेटेड हो सकता है या फिर समथिंग लाइक दैट, गोल्ड का होता है सर, ये रेंट पे मिलता है, मैक्सिमम ब्यूटी पार्लर वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जंक है, क्योंकि ये जंक है, तो फिर भी इसके पीछे लोगों का 10-20 हज़ार का खर्चा, 30 हज़ार का खर्चा लग जाता है, तो लोग भाड़े पे ले लेता है। हाँ बोलो सर, सुभश्री कुछ बोलो बोलो। हाँ, जो पहन कपड़ा वो भी, मैं समझा नहीं, अरे बोलो, मतलब जो लहंगा वहंगा पहनते हैं ना, वो सब भी सारी सब, वो सब भी रेंट पे मिलता। अच्छा, लहंगा भी रेंट पे मिल जाता है? हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सीनियर वो सब रेंटेड करके ही पहने थे एक दिन के लिए, क्या 20-25 हज़ार, क्या 20-25 हज़ार का खर्चा करना, इट्स लाइक दैट। आजकल ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसीलिए मेरे दिमाग में आया सर, मतलब इट्स रियली इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग बिजनेस नाउ, वेरी ट्रेंडिंग, स्पेशली लड़की लोग तो इस बिजनेस पे बहुत माहिर हो गया है, ठीक है, बहुत माहिर हो गया है, मतलब क्यों फालतू में इतना पैसा खर्चा करे, लहंगा भाड़े पे ले लो और शादी के दिन दुल्हन बन जाओ और उसके बाद जिसका है चीज उसको दे दो, ठीक है सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब इमोशनल बात है तो वो अलग बात कि भाई मेरा शादी का जोड़ा है, इट्स लाइक दैट, दैट्स डिफरेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है, ये सब जितना रियल लाइफ को ढूंढोगे ना सर, उतना आपको समझ में आ जाएगा कि कहने का मतलब क्या है। तो ये क्या कह दिया सर, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, ऑब्वियसली ज्वेलरी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, उसको इसके अंदर बिल्कुल नहीं रखा गया, लेकिन अगर आप इस तरह का ज्वेलरी हायर करके भी इनकम करते हो, या तो आप उसको बिजनेस बता दो, अगर आप बिजनेस पे नहीं दिखाते तो फिर इनकम कहाँ से किया भाई, आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? मानो कि आप ये सब जो ज्वेलरी वगैरह है वो तो कैपिटल एसेट है ना, अगर ज्वेलरी कैपिटल एसेट के अंदर आ गया, अगर मानो कि ज्वेलरी वगैरह लहंगा वगैरह कैपिटल एसेट के अंदर आ गया, जैसे कैपिटल एसेट का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे नॉर्मल जंक ज्वेलरी कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको हायर पे देते हो, भाड़े पे कमाते हो, ठीक है, और अच्छा कमाते हो, लाख लाख कमाते हो, तो गवर्नमेंट आपको पूछेगा भाई कहाँ से इनकम किया, आप बोला कि मैं ये सब भाड़े पे देके किया, तो ठीक है, भाड़े पे देके किया, आधा से उसमें डाल देंगे आपको,
ठीक है ऐसे इस सेक्टर्स को अभी गवर्नमेंट इतना ज्यादा देखता नहीं है बिकॉज इतना भी बड़ा नहीं हुआ है और इतना भी करोड़ों का खेल नहीं है. एक रीजनेबल रेंज पे डिफरेंट लोग करते हैं, स्पेशली लड़कियां करते हैं, औरत करते हैं, तो इसको ज्यादा दिमाग में गवर्नमेंट नहीं लगा था. अगर फ्यूचर में मानो कि ये मार्केट बहुत बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट इसको भी नहीं छोड़ेगा. ठीक है, अगर बिग प्लेयर्स आ जाए तो, मतलब जब तक ये आम तौर पे है गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब बिग प्लेयर्स अगर आ जाए ना इसके अंदर, जैसे मानो कल रिलायंस बोल दिया कि हम लोग भाड़े पे दे रहे हैं, तब गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो जाएगा. ऐसे रिलायंस तो नहीं आएगा, जैसे मानो सब्यसाची, हाँ, जैसे वो फेमस जो डिजाइनर है ना, अनिता डोंगरे, मैं नाम सुना सर, ठीक है, ये लोग अगर चालू कर दिया तो फिर मसाबा नाम है ना सर, वो इसका बेटी है, वेरी फेमस फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता, मनीष मल्होत्रा, वेरी गुड सर. तो लेट्स लाइक दैट, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हायर ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर. ठीक है, अगर आप बिजनेस में नहीं शो करते तो आधा सोच में दिखाना. वेयर लेटिंग आउट बिल्डिंग्स, सर बिल्डिंग लेट करना तो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, तो फिर आधा सोच में क्या कर रहा है सर, ध्यान से सुन लो बात मेरा. वेयर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर द इनकम फ्रॉम सच लेटिंग. अगर मानो कि आप किसी को कुछ लेट आउट कर रहे हो, भाड़े पे दे रहे हो, लेकिन आप जो भाड़े पे दे रहे हो ना, जैसे नॉर्मल बिल्डिंग लेट आउट करना किस हेड के आता है सर, नॉर्मल बिल्डिंग लेट आउट करना हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, हाँ या ना सर, बोलो, इतना तो नॉलेज है आप लोग. बिल्डिंग लेट आउट करना हाउस प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट है, लेकिन थिन लाइन क्या हो गया यहाँ पर, पतला सा चेंज हो गया. क्या पतला चेंज हो गया सर, अगर बिल्डिंग के साथ साथ आप मशीनरी भी लेट आउट कर रहे हो, प्लांट फर्नीचर भी लेट आउट कर रहे हो, एक साथ अटैच्ड है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है. अगर बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर सब एक साथ है काउंटिंग में, ठीक है, या फिर मतलब सेल करना है तो ऐसा ही करना है, नहीं तो नहीं करना, लेट आउट करना है तो ऐसे ही करना है, नहीं तो नहीं करना, तो फिर ये इनकम आपका अगर बिजनेस में नहीं दिखा है, ठीक है, इफ नॉट सोन इन बीपी, अगर बीपी में नहीं है तो फिर आधा सोर्स में आ जाएगा, अगर बीपी में नहीं दिखाए तो आधा सोर्स में आ जाए. बस बात वही है, मैं आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, बोला कि जिसका कोई घर नहीं होता उसका जगह आधा सोर्स में होता है, और ये किसका किसका घर नहीं होता इसका ये सब बता के रखा है आपको. अच्छा देखो सर, ये भी एक इंटरेस्टिंग इनकम है. एनी सम रिसीव्ड अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी इफ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी ऑल्सो. ये सैलरी के साथ अभी बात हो गया. की मैन इंश्योरेंस क्या होता है सर, हर एक बिजनेस का एक की मैन होता है, स्पेशली बिग बिजनेस में की मैन होता है सर, की मैन, जिसके बिना बिजनेस अधूरा है, नहीं चल सकता. एग्जैक्टली जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ फेमस एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या नाम लेना चाहिए, क्या नाम लेना चाहिए. अच्छा इसका नाम लेते हैं, हाँ किसका, कोक पेप्सी सर, ये पुराना हो गया, कुछ नया नहीं, कोक पेप्सी नहीं, कुछ नया है, कोक पेप्सी छोड़ो. अरे ये अपने गूगल का ये सीईओ का नाम है, सुंदर पिचाई. सुंदर पिचाई, वेरी गुड सर, सुंदर पिचाई, ठीक है. सुंदर पिचाई कौन है सर, ऐसा तो इंडियन है ऑब्वियसली, IITians है, बाद में मेटलॉजी में कुछ किया था, मेटलॉजी के साथ इसका कोई कनेक्शन था नहीं सॉफ्टवेयर का, बट मेटलॉजी से वो चला गया सॉफ्टवेयर में, और आज दुनिया का सबसे बड़ा, या सबसे बड़ा नहीं बोलूँगा, सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक, ठीक है, एप्पल गूगल ये सब वर्ल्ड्स बेस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक है. आज उसका क्या है, ये आज इसका सिटीजनशिप इसका भारत का है नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स का है. पिचाई सुंदरराजन 49K है, और ये की मैनेजरियल पर्सन है सर गूगल का. जैसे गूगल में इसका एंट्री हुआ था, मुझे जितना नॉलेज है 2004 में, ठीक है, 2004 में मोस्ट प्रोबेबली इसका गूगल में एंट्री हुआ था. कहने का मतलब ये है कि आज गूगल जिस हालत से अपने आप को डेवलप कर रहा है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इसी को. ऐसे गूगल ने बना, इस गूगल किसने बनाया, सार्जी बीन एंड लैरी पेज, हाँ सर, गूगल का जो ओनर है वो गूगल का ओनर सार्जी बीन और लैरी पेज है. लेकिन गूगल को जो चलाते हैं आज के डेट में, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पूरा गूगल का ऑपरेशन को संभालते हैं, ये देखो सर, ये पिचाई वॉज सिलेक्टेड टू बिकम द नेक्स्ट सीईओ ऑफ गूगल ऑन अगस्त 2015 में आफ्टर प्रीवियसली बीइंग अपॉइंटेड प्रोडक्ट चीफ बाय सीईओ लैरी पेज. ये लैरी जो है यही बेसिकली गूगल का मेन हेड है, ठीक है, ये लैरी मेनली गूगल का मेन है,
अब लैरी से, लैरी बनाया गूगल को, गूगल को बनाया, ये को फाउंडर है सरजी ब्रिन, ये देखो सर सरजी ब्रिन और लैरी, ये दोनों ने बेसिकली गूगल को बनाया। लेकिन बनाया तो ठीक है, लेकिन इनको एक ऐसा लीडरशिप चाहिए था जो गूगल को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सके, ठीक है। और पता नहीं आजकल यूएस वाले का, कंपनीज का एक क्या मकसद हो गया कि ये लोग इंडियन लोगों को बनाते हैं। इसके पीछे मेरे को एक जो लॉजिक लगता है, मार्केटिंग स्किल है, कि अगर इंडियन लीडर रख देना, एक तो बात है कि इंडियन लीडर में दम जरूर होता है तभी रखता है, क्योंकि जो बिजनेस को बर्बाद करेगा थोड़ी ना उसको रखेगा सर। लेकिन दूसरा मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक एनालिसिस है और आई डोंट नो, कि इंडिया को अगर अगर किसी इंडियन को आप लीडर बनाते हो आपके कंपनी का, तो वो कंपनी इंडिया में होम कंपनी जैसा फील आता है। और 140 करोड़ का ये जो भीड़ है हमारा, ये किन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। आज गूगल में सुंदर पिचाई है तो भारत भी इमोशनली गूगल से कनेक्ट हो जाता है ना, गूगल का प्रोडक्ट परचेस करता है, बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं, प्राउडली बोलते हैं कि पता है गूगल का सीईओ कौन है, ठीक है। इंडिया का भी तो सर, हाँ माइक्रोसॉफ्ट का भी सेम सुनते सत्य नादेला, ट्विटर का भी रिसेंटली पराग अग्रवाल मोस्ट प्रोबेबली रिसेंटली किया गया, और भी है इंदिरा नुई, हाँ आप लोग जानते हो पेप्सी का बहुत दिनों तक थे, और भी बहुत सारे हैं, मैं सारा नाम अभी याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक तरह का मार्केटिंग है यूएस कंपनी का, क्योंकि उनको बेचने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए, तो पॉपुलरिटी चाहिए, ठीक है, जिसमें इंडियन मार्केट अमेरिका के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप इंडियन को ही बिठा देते हो, जैसे कि इंडियन सोच है ना कि भाई यूएस के कंपनी में है, ऐसे भारत में माता पिता का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मेरा बेटा इंग्लैंड में काम करते हैं, मेरा बच्चा यूएस में है, मेरा बच्चा फॉरेन में है, तो फील प्राउड फील करता है। तो इसी फील के साथ क्या होता है कि कंपनी भी देख लेता है, ये यूएस वाले भी देख लिया कि इंडियंस फील प्राउड जब वो अमेरिकन कंपनीज में काम करते हैं या अमेरिका में जाके काम करते हैं। तो इसी प्राउड का एक क्या है, मार्केटिंग, ऑटो मार्केटिंग। चाइना का कॉन्सेप्ट अलग है सर, हाँ चाइना तो गूगल भी यूज नहीं करने देता इंडिया उसके कंट्री में, अच्छा है, मैं तो बोलूंगा चाइना वाला कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, अपना कुछ हो ना, अपना कुछ हो, गूगल का मोनोपोली बंद हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो? आई डोंट नो सर क्या मतलब किस तरह से होगा, बट इसमें मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर भारतीय खुद चीज बना के भी अगर थोड़ा प्राउड फील करे तो थोड़ा अच्छा होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गूगल को डस्टबिन में डाल दें, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, गूगल पूरा दुनिया भर में मोनोपोली बना के रखा है, जो भी हो, बट ये सब मिला के क्या हो गया आपको, की मैन, ठीक है, ये सब कौन है, कंपनी का की मैन है सर, की मैन। तो की मैन के लिए कंपनी इंश्योरेंस करते हैं, और जिसके लिए करता है मतलब उसके जान में अगर कुछ भी हो जाए कंपनी उसका पूरा खर्चा उठाएगा, तो ये इनकम है ना उसके लिए जिसके लिए खर्चा कर रहा है। अगर आज अगर पिचाई को कुछ हो जाता है गूगल में, आज अगर पिचाई को कुछ हो जाता है गूगल में, तो गूगल बहुत बड़ा मुश्किल में आ जाएगा, लीडरशिप लैग हो जाएगा, इतना दिन हो गया गूगल इसी की लीडरशिप में चल रहा है, 6-7 साल हो गया। तो गूगल चाहता है कि ऐसे लोगों का इंश्योरेंस करके रखे कुछ भी हो जाए, जैसे कोको कोला पेप्सी का मैं सुना था ऐसा कि उनका जो फॉर्मूला जानते हैं, कभी भी पेप्सी कोक का बात कर रहा हूँ 2 मिनट, पेप्सी कोक का जो फॉर्मूला जानते हैं उनका जो फॉर्मूला जो जिसको पता है सर, उनको एक साथ कभी भी एक फ्लाइट में नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो एक साथ कंपनी दोनों को खोना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ दैट, ठीक है, तो इनका इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं कंपनी, इसमें जिनको भी इनकम होता है वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे जाना जाता है। समझ में आ रहा है सर, बोलो। यस सर। अगर आप इसको सैलरी हेड में किसी भी तरह का काउंटिंग में नहीं लिए हैं, सैलरी के पार्ट में नहीं किए हैं, तो फिर इसको ऑटोमेटिकली आप आधा सोर्स में डाल देना। सर और क्या इनकम हो सकता है, मैं मेन जो जो पॉइंट आ सकता है मैं थोड़ा कवर करने का कोशिश किया, अगर कुछ छूट जाए तो आगे आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पर छूट गया है, क्योंकि कुछ सारा पॉइंट देते जाएंगे तो और भी पॉइंट बढ़ता जाएगा, तो एटलीस्ट मेन जो पॉइंट काफी पॉपुलर है आज के डेट में वही इसको प्रोफार्मा के अंदर रखा गया। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ और भी कॉमन सेंस में आपको समझ में आ जाएगा कि आधा सोर्स का पार्ट बन जाएगा, उसको भी देख लेंगे। एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट बट नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर रेट ऑफ इनकम, मतलब सिंपल बात है, टैक्सेबल है, ये बड़ा ही सिंपल पॉइंट है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम टैक्स मतलब क्या सोच समझ के प्रोविजन बनाया, सोचो। एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट, बट नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, तो जिसका कोई घर नहीं है आधा सोर्स में डाल देना, इनकम टैक्स वाले एकदम चुपचाप आपको चुपचाप आपसे ले लेगा भाई, वो सब छोड़ो, आप चिल्लाओगे सर सैलरी नहीं है, सर पीजीपीपी नहीं है,
ठीक है, आप इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने बोल रहे हो सर सैलरी इनकम नहीं है, सर बीजीपी नहीं है, सर सीजी नहीं है, मतलब कैपिटल गेन नहीं है, सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी नहीं है, छोड़ दो ना, टैक्स चार्ज मत करो, आप उनके सामने बोल रहे हो, ठीक है। बोलेगा बेटा तेरे को क्या पता, मेरे पास एक ऐसा शस्त्र है जिससे मैं तेरा हर एक इनकम को टैक्सेबल कर सकता हूँ, वो इनकम, वो क्या सोर्स है, अदर सोर्स, ठीक है। तो ये है वो वाला प्रोविजन, सिंपल है बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है, ताकि आप ये जो बेसिकली देखो भाई इंसान का क्या है ना, ये सिटीजन या ह्यूमन बींग हम लोग क्या चाहते हैं, सरकार रूल बनाएगा हम लोग क्या करेंगे रूल को, अरे हम लोग का क्या मानसिकता होता है, रूल तोड़ेंगे सर, ठीक है, रूल के साथ चलने का मानसिकता कितने जनों को है सर, हाँ। अगर कल सरकार बोल दिया कि जो मर्जी करो भाई जीएसटी देना नहीं है, किसी कोई जीएसटी नहीं देगा, कल बोल दिया भाई इनकम टैक्स नहीं देना है भाई, मतलब इनकम टैक्स देना ना देना आपके ऊपर है, रूल्स इतना कुछ है नहीं, छोड़ देते हैं, हम लोगों का क्या, हम लोग तो रूल तोड़ने के लिए 2 मिनट 2 सेकेंड का जगह चाहिए, बोलो बस। सबसे ज्यादा क्या पता चलता है ट्रैफिक रूल्स पे, ट्रैफिक अगर पुलिस नहीं होता क्या करते हैं, इधर उधर ऑटो, ह्यूमन बींग जो पैदल से पेडेस्ट्रियंस, बस सबको एकदम केओस बना के फिर ऑफिस टाइम को जैम कर दिया, हाँ। बस एक ट्रैफिक पुलिस अगर ना होता है किसी ट्रैफिक सिग्नल में, उससे ही पता चलता है इंडियंस को कितना अच्छा लगता है रूल्स तोड़ना। क्या बोलूं सर, इतना बड़ा जनसंख्या है, कंट्रोल नहीं होता सर की जो है ना, हाँ अनेक जाएगा जैसे ट्रैफिक पुलिस से किसी कुत्ते बना से ऑटो वाला, वही तो बोल रहा हूँ, बहुत जगह ऐसा भी है ट्रैफिक पुलिस रह के भी उस ट्रैफिक को भी नहीं मानता है, ऑटो चालक रह से ट्रैफिक पुलिस ही है, हाँ। अब ये है हम लोग और क्या, इसी के लिए तो सुभाष बोस एक चीज बोला था, सुभाष चंद्र बोस, कि भारत जब इंडिपेंडेंस होगा ना 1947 में, अब उसको तो गायब कर दिया, उसको सामने ही नहीं लाने दिया, सुभाष बोस बोला था कि भारत इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिकली चूज होगा कंट्री में कौन मिनिस्टर बनेगा, पर डेमोक्रेसी लाने से पहले कम से कम 10 साल 2 टर्म 5 ईयर्स करके भारत को ना मार डंडा चाहिए था, मार डंडा समझते हो, इट्स लाइक मतलब सीधा करने का एक तरीका होना चाहिए था, मतलब आजादी रहेगा, सोशलिज्म टाइप का, मतलब पहले डिसिप्लिन हो जाओ, पहले अपना सुरक्षा करना जान लो, डिसिप्लिन बन जाओ, उसके बाद तुमको आजादी मिलेगा, डेमोक्रेटिकली इंडिया को चला जाएगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था सुभाष बोस का। लेकिन स्टार्टिंग में लोगों को सीख दिया जाएगा भाई बनना कैसे है, जो हो गया ब्रिटिश का गुलामी हो गया, मुगल का गुलामी हो गया, ठीक है चलो बहुत दुख हो गया, बट अब थोड़ा डिसिप्लिन हो जाते हैं, मतलब पहले से ही जो ये छूट मिल गया ना सर, 50 करोड़ का आबादी को हम लोग 150 करोड़ कर दिए, 47 से 2022 आते आते इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ हो गया, ये है आजादी का मतलब। पॉपुलेशन 150 करोड़ से प्रॉब्लम कुछ तो ऑब्वियसली है, बट उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है यार, इतने बड़े कंट्री को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, शुरू में ना एकदम मिलिट्री ट्रेनिंग होना चाहिए था, तालिबानी ट्रेनिंग टाइप का, जैसे वो कोरिया में भी है ना, हर एक को डिफेंस का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है, आप अपने मन मर्जी पहला 10 साल कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे गवर्नमेंट कंट्रोल में होगा पहले, ये कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, मतलब जब ये केओस देखता हूँ ना मेरे को लगता है, छोड़ो अभी जो नहीं हुआ उसको कभी नहीं किया जा सकता। अब एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ये समझ गए आप, डीम्ड इनकम, ये 59 का एरिया है, आगे डिस्कस करूंगा आपसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेमिशन और सीजन ऑफ ए ट्रेडिंग लायबिलिटी, मतलब कि आपका कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी आपका सीज हो रहा है या रेमिट हो रहा है, किसी और पे ट्रांसफर हो रहा है, और इसके बदले आपको कुछ लॉस हो रहा है, रिसीप्ट ऑफ एनी अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉस और एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन, मतलब लॉस जो आपको मिल रहा है उसको आपको एक्सपेंडिचर, मतलब जो लॉस और एक्सपेंडिचर होता है उसको डिडक्शन के तौर पर आपको अर्लियर प्रीवियस ईयर में मिला है, ठीक है। तो ये जो डिडक्शन आपको अर्लियर प्रीवियस ईयर में मिलता है इसको अदर सोर्स में इनकम माना जाता है, डीम्ड इनकम माना जाता है। कैसे होता है जब मैं 59 का चर्चा करूंगा ना तभी बताऊंगा सर, ठीक है, थोड़ा डिटेल्स है, मैं बाद में आता हूँ सर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, सब जोड़ जाड़ के आधा सोर्स हो सकता है। अब देखो सर, जब एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है आधा सोर्स का, तो उसमें ये कोई भी पॉइंट आ सकता है, जरूरी नहीं कि ये, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी 10 पॉइंट में डिस्कशन किया, जरूरी नहीं कि 10 का 10 पॉइंट आपको पूछ ले, ऐसा तो होगा नहीं नॉर्मली, कोई भी 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है और कैलकुलेशन में यूज करना है,
ठीक है, कोई भी दो पॉइंट भी हो सकता है, एक पॉइंट भी हो सकता है, तो आपको रेडी रहना है कि भाई ये तो अदर सोर्स के अंदर है, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से आपको डिडक्शंस भी मिलता है, ठीक है, डिडक्शंस जो आपको मैं बात ये कर रहा हूँ सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर का जो डिडक्शन है, मैं एटी सी से एटी यू का बात नहीं करूंगा अभी, ठीक है, वो तो इनकम टैक्स का डिडक्शन। डिडक्शन बोलते ही आपके मन में दो चीज होना चाहिए, एक है डिडक्शन जो जो इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर होता है, और एक डिडक्शन होता है जो इनकम टैक्स के अंदर होता है, ठीक है, जो टोटल इनकम के बाद होता है, सारा हेड्स ऑफ इनकम ऐड करने के बाद, टोटल इनकम आने के बाद जो डिडक्शन दिया जाता है, ठीक है, जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट होता है, दैट इज 80 सी से 80 यू का, जो मैं ये चैप्टर के बाद अदर सोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं डिडक्शंस में जाऊंगा, ठीक है, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीटीआई के बाद आपको 80 सी से 80 यू का इस्तेमाल करना है। इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर एरिया 80 सी से 80 यू, ठीक है, इट्स अ वेरी पॉपुलर एरिया सर, तो जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि ईच एंड एवरी चैप्टर का, मतलब ईच एंड एवरी हेड्स का भी अपना अपना डिडक्शन है जो आप उस पर्टिकुलर हेड के अंदर रिलेस कर सकते हो। तो आप आधा सोर्स में ये सारा इनकम, अगर आपको मानो कि ये सब इनकम आपने किया, और जो भी है 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो भी आपने इनकम किया, आपने सब जोड़ा, ठीक है, आपने सब जोड़ा, फिर आपको लेस करना है। क्या लेस कर सकते हो सर? सेक्शन 57 आपको लेस करने के बारे में बात करता है। In case of dividend or income in respect of units of a mutual fund or income of in respect of units from a specified company, अगर बात dividend की है, ठीक है, तो dividend में आपको deductions मिलता है। Dividend or income in respect of units of mutual fund or income in respect of units from a specified company, जिसको government ने specify किया, ठीक है। Interest expenditure allowable as deduction subject to a maximum of 20% or such income included in the total income for that year without deduction under this section. सर ऐसे ये सब चीज समझ में नहीं आएगा, बस अभी मैं आपको रीड करा रहा हूँ, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे डिविडेंड इनकम आपको डिडक्शंस करने का मौका मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड कंपनी। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर मतलब अगर आपने कुछ इंटरेस्ट के तौर पर कुछ खर्चा किया, ठीक है, अलाउबल एज डिडक्शंस, वो आपको इंटरेस्ट आप जो भी दिए हो वो आप डिडक्ट कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू 20% तक आप ले सकते हो। एंड सच इनकम इंक्लूडेड इन दी टोटल इनकम फॉर दैट ईयर विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो आगे आगे इसका क्वेश्चन करना होगा तो आपको ये और क्लैरिटी होगा। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एनी रीजनेबल सम पेड बाई वे ऑफ कमीशन, अगर आप किसी को कोई कमीशन पे करते हो, या रेमुनरेशन टू ए बैंकर, अगर बैंकर को कोई रेमुनरेशन देते हो, और एनी अदर पर्सन, ठीक है, तो ये खर्चा भी आप लेस कर सकते हो। मतलब बेसिकली एक अदर सोर्स में क्या क्या खर्चा आप डिडक्शंस के तौर पे लेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनकम और क्या लेस कर सकते हो, देखो, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय से अगर आपका कुछ पैसा रिकवर होता है, कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिमिटेड बिफोर द ड्यू डेट आफ्टर द रेस्पेक्टिव एक्ट्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36 के हिसाब से, जो बीपी के अंदर हम लोगों ने देखा था। तो इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एनुएशन फंड एटसेट्रा, ये भी क्वेश्चन करके ही मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि किस तरह से ये सब डिडक्शंस को हम लोग ले सकते हैं। बट आपको थोड़ा नाम अभी रीड करना जरूरी है, ताकि जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप कनेक्शन देख पाओ, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आज इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि आज मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक्स में चर्चा करना है। जैसे कल के क्लास में मैं क्वेश्चन लूंगा ना, तो आपको बहुत सारा चीज कनेक्शन होगा, बट घर में आपको जरूर एक बार गो थ्रू करना है। इनकम टैक्स पढ़ने का दो तरीका होता है सर, एक आपको प्रोविजन पहले रीड करना चाहिए, फिर उस प्रोविजन रिलेटेड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा आपको प्रोविजंस पे बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, कैलकुलेशन क्वेश्चंस लेते जाएंगे, तो आपको ये सभी चीजें कनेक्शन में जुड़ता जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग, ठीक है, ये जो मैं आपको मैं पहले बोला था कि अगर आप कोई इनकम कर रहे हो और मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर या विद और विदाउट बिल्डिंग या आप कोई भी चीजें लेट आउट कर रहे हो, तो इसमें भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है। जैसे क्या खर्चा हो सकता है, करंट रिपेयर्स टू द मशीनरी, मशीनरी में कुछ खर्चा रिपेयरिंग के लिए किया, प्लांट फर्नीचर या बिल्डिंग पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ था किसी पर्टिकुलर मशीन का, डिप्रिसिएशन या अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन कुछ है, तो वो सब खर्चा आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सर फैमिली पेंशन अगर आपको कुछ रिसीव हो रहा है, ठीक है, फैमिली पेंशन जो मेनली सैलरी वगैरह होता है ना सर, पेंशन रिसीव होता है, तो इसका 1/3, ठीक है, 33 to the power 1/3, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, 33 1/3% मतलब 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ सच इनकम और 15,000 व्हिच एवर इज लेस। फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो उसमें आपको पूरा पेंशन आपका टैक्सेबल नहीं होगा,
वन थर्ड ऑफ द पेंशन या फिर 15,000 जो कम होगा वो आप एग्जाम डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पेंशन मिलता है तो पूरा पेंशन को ही आप टैक्सेबल मत कर देना, ठीक है, फैमिली पेंशन के केस में सर। ठीक है, तो ये वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, वन थर्ड ऑफ पेंशन वो ऑफ सच इनकम या फिर 15,000 जो कमती होगा वो आप डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हो। या फिर इंटरेस्ट, और क्या बात है सर, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन रिसीव 50% ऑफ सच इंटरेस्ट को आप डिडक्शन कर सकते हो। मतलब आगे आगे ये सब पॉइंट मैंने कवर किया तो उसी का इंटरेस्ट के बारे में बोला कि 50% ऑफ सच इंटरेस्ट आप डिडक्शन के तौर पे शो कर सकते हो। या फिर और एक पॉइंट है सर, और क्या है, एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है लेकिन कुछ भी अर्निंग करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया तो वो भी आप लेस कर सकते हो, और लेस करके आपको जो भी मिलेगा वो आपका आधा सोर्स इनकम ट्रीट होगा। तो ये है बेसिकली प्रो फॉर्मा डिस्कशन, लेकिन मैं आपको बस प्रोविजन वाइज बताया सर, बार बार बोल रहा हूँ, किसी किसी के मन में चल रहा है सर कुछ पॉइंट अभी भी आधा अधूरा रह गया। यस आई अंडरस्टैंड एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट कि कुछ कुछ पॉइंट आधा अधूरा रह गया, बट सर एक चीज क्या है, ये प्रोविजंस बोला मैं आपको, अभी मैं क्वेश्चन की तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और कुछ प्रोविजंस बोलना है, कि अगर मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन करा देता लेकिन मैं एक क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं प्रोविजंस के साथ जा रहा हूँ, कल के क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आपका जो मन में चल रहा है ना वो आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अच्छा सर और कुछ है क्या सर, डिडक्शन नॉट अलाउबल सर, कुछ डिडक्शन ना आधा सोर्स में लगता है कि अलाउ कर देना चाहिए बट अलाउ नहीं करता, सेक्शन 58 आपको वो जगह देता है। कौन सा चीजें आपको मतलब आधा सोर्स में डिडक्शंस के तौर पे नहीं मिल सकता सर, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, एक्सेप्ट सम पॉइंट्स जिसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा बोला उसको छोड़ के ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है कि क्या करना पड़ता है एक आधा सोर्स कैलकुलेशन के लिए, आपको ये क्लैरिटी हो रहा है ना सबको। पहले आपको इनकम आइडेंटिफाई करना है, उसको जोड़ना है, ठीक है, सभी इनकम को जोड़ने के बाद आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपको डिडक्शंस देना है जो आप इनकम को करने के लिए, जो भी इनकम ऊपर में बोला मैंने ऐसा इनकम करने के लिए अगर आपने कुछ खर्चा किया तो उसको आपको माइनस करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग रूल दिया है जो मैं आपको थोड़ा सा बोला, बाकी मैं क्वेश्चन के साथ बोलूंगा, लेकिन अभी मैं जिस पॉइंट में जा रहा हूं ये पॉइंट आपको ये बताता है कि जिसमें डिडक्शंस नॉट अलाउबल है, भले ही आप खर्चा कर रहे हो, भले ही आप खर्चा कर रहे हो लेकिन वो खर्चा आपको अलाउ नहीं करेगा, माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा। बोलो सर एक बार, मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ऐसे ये देखो, ये बिजनेस से आइडिया आता है, जो लोग बीपी का क्लास भी कर चुके हो, से फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट 100 में सेल कर रहे हो तो आपका अर्निंग कितना है, आपने रेवेन्यू कितना कमाया 100, लेकिन मानो कि इसको खरीदने में आपका कॉस्ट जो पड़ा है वो 50 का है, तो आप आपका इनकम क्या है, 100 है कि 50 है? 50 है ना, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगा 100 में लेगा कि 50 में लेगा? 50 में, बिकॉज माई इनकम इज 50, तो गवर्नमेंट को भी मेरा टैक्स लेना चाहिए 50 से ही। ठीक है, तो ये जो ऊपर में जो ये बिजनेस के केस में बताया आपको, सिंपल है ना, 100 में सेल किया 50 का कॉस्टिंग है तो कॉस्टिंग को हटाना चाहिए बिकॉज वो मेरा खर्चा है, और गवर्नमेंट हम पे इनकम पे टैक्स लेता है, मेरे खर्चा पे टैक्स नहीं लेता। ठीक है, तो इसलिए इनकम से खर्चा को मैं माइनस कर सकता हूँ। तो ये जो भी मैं ऊपर आपको आधा सोर्स में भी बताया, तो ये सब आधा सोर्स का पहले आपको इनकम बताया और ये सब आधा सोर्स का मैंने बाद में आपको खर्चा बताया। ठीक है, तो अभी मैं कुछ खर्चा बताऊंगा आपको जो देखने में आधा सोर्स जैसा तो है बट उसको डिडक्शन नहीं मिलता। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, कुछ खर्चा बताऊंगा आपको जो देखने में आधा सोर्स जैसा खर्चा तो है बट उसको डिडक्ट करने का मौका सेक्शन 58 आपको नहीं देता। ये बात क्लियर है सर, प्लीज टेल मी। यस सर। एनी पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द एसएससी, अगर आपका कोई व्यक्तिगत खर्चा कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंसेस आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते, व्यक्तिगत खर्चा अपने ऊपर जो खर्चा कर रहे हो खुद के ऊपर। ठीक है, मतलब मानो कि आपने जैसे आधा सोर्स के लिए, जैसे कि अलग अलग सोर्स में आपने जो भी आपने इनकम किया, ठीक है, जैसे डिविडेंड इनकम, ठीक है, आप डिविडेंड इनकम कर रहे हो और आपका डिविडेंड इनकम जो हो रहा है तो उसके लिए आपने कुछ एक्सपेंस किया, ठीक है, वो अलग बात, लेकिन पर्सनल एक्सपेंस जैसे मानो आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, ठीक है, आपने
कहीं घूमने गया, ये सब आपका क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, ठीक है। इवन आपने खुद के लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात आपको क्लियर करना चाहिए। एनी इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड सोर्स, आपने किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो टैक्स में चार्ज होना चाहिए और आप एक्चुअली वो इंटरेस्ट है जो आपको पेमेंट आप कर रहे हो वो आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, लेकिन आपने TDS नहीं काटा। से फॉर एग्जांपल आपने कहीं इंटरेस्ट पे कर रहे हो 10,000 का, अब उसमें TDS है मानो 10% का, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड रेट है इसका। TDS का भी एक चैप्टर आएगा, TDS TCS एंड एडवांस टैक्स का, उसमें मैं आपको TDS TCS एंड एडवांस टैक्स के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा सर, कि हमारे देश में TDS का क्या रूल्स है, TCS का क्या रूल्स है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो क्या क्या अलग अलग केसेस है, कहाँ कब कितना TDS काटा जाता है, उसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा उसके ऊपर। तो सिंपल बात है कि आप इंटरेस्ट किसी को पे कर रहे हो 10,000 का, तो आपको 10% TDS काट लेना चाहिए। तो अगर आपने TDS नहीं काटा तो फिर आप डिडक्शन नहीं ले सकते। आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हो और आपने TDS नहीं काटा तो फिर आप वो जो डिडक्शन आप ले सकते थे, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है लेकिन आप वो डिडक्शन नहीं ले सकते। एनी पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी हेड सैलरी, आपने किसी भी तरह का खर्चा सैलरी के तौर पे किसी को कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपके कंपनी में काम करते हैं और आप उनको सैलरी दे रहे हो। इफ इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया एंड अनलेस टैक्स हैज बीन पेड देयर ऑन और डिडक्टेड एट सोर्स देयर फ्रॉम, मतलब आप सैलरी पेमेंट करो भाई किसी भी आउटसाइडर को करो, आउटसाइड इंडिया वाले किसी को भी पेमेंट करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट आप TDS काट के करो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं कि जो भी पैसा भारत के बाहर जाएगा उसके रिलेटेड टैक्स आप पहले इंडिया में लो, ठीक है। ये TDS काटने का नॉर्मल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एम्प्लॉयर के ऊपर ही होता है, ठीक है, जिस जो सैलरी पे कर रहा है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्योंकि फॉरेनर से टैक्स काट कलेक्ट करने थोड़ी ना जाएगा कंट्री। अब मैं मेरा बात समझ रहे होंगे कि नहीं, क्या इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने जाएगा क्या बाहर, कि भाई जो फॉरेनर इनकम करके गया इंडिया से कि भाई अभी पेमेंट करो इंडिया में। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लॉजिक तो समझो कि क्यों फॉरेन में पेमेंट जाने से पहले, फॉरेन में कोई भी पेमेंट इंडिया से जा रहा है सैलरी के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है, कोई बांग्लादेशी हमारे देश में आके जॉब करता है, कोई म्यांमारी मतलब बेसिकली बर्मा बर्मीज पीपल हमारे देश में आके जॉब करता है, या फिर यहाँ से ही हमारे देश में जॉब करता है, कोई भी मानो ओडिशा से कोई म्यांमार के कोई किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट दिया है तो जॉब कर रहा है, सैलरी पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ से अगर सैलरी जाएगा तो TDS काट के जाएगा, ठीक है। तो इसका जो TDS होगा वो TDS सरकार के घर में इंडिया में नया दिल्ली में जमा होगा, सिंपल बात है। तो TDS काट के दो, ठीक है, बिना TDS का करोगे तो वो जो सैलरी आपका खर्चा है ना, नॉर्मली सैलरी क्या है, आप अगर किसी को सैलरी पे करते हो, ठीक है, तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस आप डिडक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है सर, प्लीज टेल मी। मतलब इंडियन रेसिडेंट जिसका 182 दिन का केस जो है इंडिया में रहने का वो फुलफिल हुआ है। इफ सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड ऑन और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अच्छा अगर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले TDS नहीं काटते तो स्पेसिफाइड जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में बोला है तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। टोटल पेमेंट का अगर 30% पेमेंट कर रहे हो और TDS नहीं काटा और वो भी ड्यू डेट के पहले नहीं काटा, रिटर्न फाइल मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है सर, रिटर्न फाइल से पहले आपने नहीं काटा, ठीक है, तो आप अगर ऐसा करते हो, डिटेल चर्चा सर मैं बोला रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर के करेंगे इसका, ये सब का डिटेल चर्चा रिटर्न फाइलिंग के अंदर भी आएगा, तब आपको और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड टू ए रिलेटेड पर्सन, अगर आप किसी भी रिलेटेड पार्टी को पेमेंट किए, रिलेशन में कोई है, मैं CG चैप्टर में बोला था रिलेशन के बारे में, टू द एक्सटेंट द सेम इज कंसीडर्ड एक्सेसिव और अनरीजनेबल, और आप जो भी पेमेंट कर रहे हो वो एक्सेसिव लग रहा है और अनरीजनेबल लग रहा है, मतलब जो पेमेंट आपने दिखा रहे हो, ठीक है, जैसे ये क्या करते हैं ना कई बार जो एसएससी होता है, एसएससी मतलब जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एसएससी मतलब जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल किसका नाम लो संपद, ठीक है, संपद का इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। अब संपद क्या किया, संपद अपने रिलेटिव्स को कुछ पेमेंट किया, मानो कि पेमेंट करना चाहिए था 10,000 या किया भी था 10,000, लेकिन संपद उसको शो कर रहा है, मतलब बेसिकली बिल बनाया उस रिलेटिव के लिए, बनाया उसके अगेंस्ट में 20,000 का, जो एक्सेसिव है,
ठीक है, मानो कोई रिलेटिव है जो संपत की फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर संपत के ऑफिस में काम करते हैं, बट संपत उसको क्या किया, 10,000 की जगह 20,000 का पेमेंट शो कर रहा है लेकिन दिया 10,000 ही है, तो ऐसा करने से क्या होगा, 10,000 का खर्चा 20,000 दिखाने से क्या होगा, हेलो सर बोलो, 10,000 का सैलरी अगर 20,000 में शो कर दिया तो क्या होता है, क्या आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रहा है सर, बोलो, कनेक्टेड हो आप लोग, है सर, सर प्रॉफिट कम है सर, बेसिकली उसका इनकम कम हो जाएगा, है ना, सिंपल है सर, वेरी सिंपल, मतलब आपने 1,00,000 इनकम किया, आप अगर 10,000 माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या दिखेगा, 90,000, है ना, लेकिन अगर आप 20,000 माइनस कर दोगे लेकिन जो आपका एक्चुअल में है नहीं, लेकिन क्योंकि रिलेटिव है तो आप उनके अगेंस्ट में बिल बना सकते हो कि भाई तुम्हारे नाम पे दिखा देता हूँ, जब अगर बाई चांस असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर जब पूछताछ करे तो बोल देना हाँ बोल देना, ठीक है, बाकी के केस में शायद आप नहीं कर सकते, रिलेशन के केस में कर सकते हो, तो इसके ऐसे केसेस को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी बोला जा सकता है या फिर कोई डायरेक्टर्स के बीच में हुआ है, जो मैं रिलेटेड पार्टी के बारे में इससे पिछले वाला चैप्टर में बोला था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कब कब होता है कैपिटल गेन के अंदर बोला था, फिर से जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे आप लोग रिवाइज करेंगे आप जरूर एक बार उसको देखिएगा, तो एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड टू अ रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट द सेम इज कंसीडर्ड एक्सेसिव और अनरीजनेबल बाय द एओ, एओ कौन होता है, असेसिंग ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है जो बेसिकली आपके इनकम को असेस करता है, हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू मतलब ऐसे काम के लिए, जैसे मानो कि जो भी जॉब है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या सैलरी होना चाहिए उसका एक मार्केट वैल्यू होता है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर दिए या कम पेमेंट कर दिए, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, नॉर्मली ज्यादा पेमेंट करने का ही शो किया जाता है, मतलब पेमेंट उतना नहीं करता है बट दिखा जाता है कि पेमेंट किया है। और एक कॉन्सेप्ट है सर, अगर आपने कोई खर्चा किया, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट, पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000, अगर आपने किसी को भी 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दिया और वो भी इन मेड टू ए पर्सन इन ए डे, एक दिन में, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, मतलब बेसिकली आप कैश में ट्रांजेक्शन कर दिए, अगर आप चेक में करते नो प्रॉब्लम, अगर आप बैंक ड्राफ्ट से करते नो प्रॉब्लम, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से करते, मतलब बैंक से फंड ट्रांसफर जैसे कि IMPS, UPI, RTGS, क्लियरिंग सिस्टम में बैंक के साथ एक एग्रीमेंट होता है ECS मैंडेट बोलते हैं उसको, मैंडेट के थ्रू से, और ये सब तो आप लोग जानते हो, UPI ट्रांसफर, RTGS ट्रांसफर, NEFT ट्रांसफर, भीम, आधार पे, ये सब जो भी आप करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब बेसिकली डिजिटल ट्रांसफर, अगर डिजिटल ट्रांसफर करते हो 10,000 से ज्यादा, ठीक है, अगर 10,000 से ज्यादा डिजिटल ट्रांसफर किसी को भी करते हो, सॉरी मतलब नॉन डिजिटल ट्रांसफर करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉन डिजिटल ट्रांसफर मतलब कैश ट्रांसफर, वो खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर अगर आप कैश में करते हो 10,000 से ज्यादा उसको आप शो नहीं कर सकते डिडक्शन पे, आधा सोर्स के लिए किसी भी तरह का आधा सोर्स इनकम में जो भी खर्चा आप करोगे, ठीक है, और अगर आप वो खर्चा 10,000 से ज्यादा कर रहे हो और वो भी नॉन डिजिटल मतलब कैश वे में कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह का डिजिटल वे यूज नहीं कर रहे हो, तो ऐसा खर्चा आप माइनस नहीं कर पाओगे। बोलो सर, सेक्शन 58, आई होप ये क्लियर है। हाँ सर, यस सर, हाँ सर, ठीक है, तो ये कुछ आइडिया आपको मिल गया सेक्शन 58 का, जहां पर डिडक्शन नॉट अलाउबल के बारे में मैंने आपको बताया। सर अब थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं सर, अदर सोर्स में टैक्स का क्या खेल है, कितना टैक्स देना पड़ता है, जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था सर, जो कैजुअल इनकम के बारे में आपको शुरू में ही बोला, एकदम स्टार्टिंग में ही मैं आपको कैजुअल इनकम के बारे में बोला सर, कैजुअल इनकम मतलब जैसे 30% ऑफ सच विनिंग्स, विनिंग मतलब जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, ठीक है, ये सब में आपका 30% फर्दर इंक्रीज बाई सरचार्ज, इस पे सरचार्ज लगेगा, जैसे कि हमारे देश में करेंटली इनकम टैक्स के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन से लगता है, तो 30% से फॉर एग्जाम्पल आपने KBC जीता, आपने KBC में जीता, कौन बनेगा करोड़पति, या फिर आपने दादागिरी जीता, ठीक है, KBC में आपने मानो 7 करोड़ जीत लिया, तो 7 करोड़ का 30% जो भी होगा कितना हो जाता है, 7 करोड़ का 30% 2 करोड़ 10 लाख, है ना सर, उसके ऊपर आपका और 4% लग जाएगा, ठीक है, 4% क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन से, समझ गए सर, बोलो,
दो करोड़ का 4% जितना होगा उतना आपका और लग जाएगा, ये गवर्नमेंट के घर में जमा होगा, बाकी पैसा आप अपने घर लेके जाओ। लेकिन इसके बदले में से फॉर एग्जाम्पल केबीसी जाने के लिए, केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए या फॉर्म भरने के लिए आपको मानिए कि आपने केबीसी पार्टिसिपेट करने गया, सब कुछ मिला जुला के आपका ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का खर्चा हुआ, तो आपने सोचा कि मैं कुछ खर्चा जो भी हुआ या 10 लाख का खर्चा हुआ जो भी, ठीक है 10 लाख का खर्चा हुआ, तो आप सोचते कि भाई 7 करोड़ इनकम किया इतना तो सरकार को, 7 करोड़ इनकम से आप चाहते हो कि मैंने 10 लाख का जो खर्चा हुआ उसको माइनस करो, ये अलाउड नहीं है सर। नो एक्सपेंडिचर अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम, चाहे वो केबीसी हो चाहे वो हॉर्स रेस। हॉर्स रेस के बारे में आइडिया है, इट्स अ वेरी फेमस एक कॉन्सेप्ट इन इंडिया, इंडिया या फॉरेन में भी होता है। इंडिया में जैसे कोलकाता में होता है, बैंगलोर में होता है, ठीक है, कोलकाता हॉर्स रेस, ये टीवी में भी आप लोग बचपन में देखते होंगे, ठीक है, ये हॉर्स रेस ग्राउंड है सर विक्टोरिया के पास, अगर कभी भी आप लोग जाते हो विक्टोरिया के आसपास में, इवन यहाँ पर भी जा सकते हो, टिकट काट के आप हॉर्स रेस देख सकते हो सर, ठीक है। ये देखो सर इस तरह से लोग बोली लगाते हैं, जॉकी पे पैसा लगाते हैं सर, ठीक है, घोड़ा पे जॉकी पे पैसा लगाते हैं, और ये गैम्बलिंग है, ठीक है, कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, ठीक है। बट कोलकाता में होता है, बैंगलोर में होता है, और भी काफ़ी सारा शहर है जहाँ पर होता है, ये बेसिकली बहुत जिसका एक्स्ट्रा पैसा है ना, बहुत पैसा कमाया जाता है और बहुत पैसा लूटा भी जाता है, ठीक है, लूट भी जाता है लोगों का। लेकिन सर ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए बना के रखा है गवर्नमेंट, अभी भी इसको बंद नहीं किया, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, फालतू का पैसा है, सरकार देखता है कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा है आप लाओ यहाँ पर डालो, और हम यहाँ से जो भी इनकम आप करते जाओगे, एक 100 रुपीज कमाओगे हॉर्स रेस के ग्राउंड से, ठीक है, सरकार के घर में 30% जमा हो जाएगा, जितना कमाओगे 30% सरकार के घर में और 4% उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेस के कारण। तो सरकार ये सब बंद नहीं करेगा, ये सब सरकार का अर्निंग का अच्छा खासा जगह है, ठीक है, चाहे भले ही कल्चर का बात हो, क्योंकि कल्चर देखने से नहीं होगा, 140-150 करोड़ की आबादी है, उसको संभालने के लिए सरकार को सच में बहुत पैसा चाहिए। परिवार का जनसंख्या जब बढ़ जाता है ना, आप समझ रहे हो ना, भारत अगर एक देश है इसका फैमिली मेंबर्स 140 करोड़ है, अब 140 करोड़ मेंबर को देखने के लिए, उनका सुख सुविधाएं देखने के लिए, लीगल इलीगल मोरल इमोरल, हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है ना सर। जैसे न्यूजीलैंड ने क्या किया, आप लोगों को पता है न्यूजीलैंड ने क्या किया, सिगरेट बैन कर दिया, सिगरेट फैक्ट्री को ही क्लोज कर दिया। आगे 2026 के बाद न्यूजीलैंड में मार्केट से सिगरेट गायब हो जाएगा, अगला 4 साल में न्यूजीलैंड में और कोई सिगरेट नहीं मिलेगा, और जो बच्चा अभी एडल्ट नहीं है, ठीक है, जो कभी भी आज तक सिगरेट छुआ नहीं है, वो उनको सिगरेट और जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, और जानेगा ही नहीं न्यूजीलैंड का बच्चा कि सिगरेट क्या होता है, ठीक है, स्मोकिंग पूरा का पूरा बैन कर दिया न्यूजीलैंड ने। अब ये न्यूजीलैंड के लिए संभव इसलिए हो रहा है, न्यूजीलैंड इतना अच्छा देश इसलिए बन पा रहा है, सीरियसली सिगरेट बैन कर देना चाहिए, है ना, बिकॉज टोटली अनहेल्दी एक प्रोडक्ट है, कोई मतलब नहीं है, क्या स्वैग मिलता है मुझे नहीं पता, हाँ फूंक के अपने जूता से जिस तरह से लड़का लोग करता है, ठीक है, मैं खुद लड़का होके बोल रहा हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं है कि इसमें कोई स्टाइल क्या है, धुआं उड़ा के क्या स्टाइल है, ये बॉलीवुड मूवीज ने सिखाया, जानते हो ना, सिगरेट का धुआं उड़ा के जो स्वैग दिखाना बॉलीवुड मूवीज ने सिखाया, कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का एक स्टाइल स्टेटमेंट है, बेमतलब का स्टाइल स्टेटमेंट बहुत कुछ हो सकता है, ये सिगरेट का स्वैग मुझे समझ में आज तक नहीं आया, जो भी हो मैं अपने दोस्तों को भी बोलता था क्या करते हो तुम लोग, धुआं अंदर डाल के बिना मतलब का नशा करता है, जो लोग मेहनत करते हैं वो राजमिस्त्री है या फिर बहुत सारा दिन काम करता रहता है, उनको नशा बिना ना काम नहीं होता, वो अलग बात, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, ठीक है, वो सारा दिन बीड़ी पीते रहते हैं, बिना बीड़ी का उनका काम में मन नहीं लगता, वो उनका मैं फिर भी समझ सकता हूँ, बट ये जो जिनका कोई काम धंधा है नहीं बस दिखाने के लिए, चलो अच्छा है न्यूजीलैंड ने किया, हाँ सर न्यूजीलैंड ने किया और इसलिए संभव हुआ, बस 5 करोड़ का ही तो जनसंख्या, फैमिली मेंबर बहुत कम है, 4-5 करोड़ जनसंख्या को कंट्रोल करना आसान हो गया इनके लिए, तो लिविंग क्वालिटी बढ़ा सकता है। अपने उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है न्यूजीलैंड का जीडीपी उतना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं और न्यूजीलैंड में 5 करोड़ लोग रहते हैं। अब समझ लिए ना आप लोग कि मैनेजमेंट के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। अब पैसा भी तो चाहिए गवर्नमेंट को, हम लोग मैं कई बार सोचता रहता हूँ कि गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए ना, लेकिन फिर बाद में सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ये सब सोर्स को बंद इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि
गवर्नमेंट को नीड चाहिए, बहुत पैसा चाहिए इनको, नो एक्सपेंडिचर अलाउंस है, ये बात बार बार बोलूंगा, कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं करेगा आपको। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज नॉट अलाउबल, मतलब 80C से 80U के अंदर, 80C से 80U के जो डिडक्शंस ऑफ फ्रॉम टोटल इनकम जीटीआई के बाद जो डिडक्शंस आपको मिलेगा, कोई भी तरह का अलाउबल नहीं है सर, किसी भी तरह का डिडक्शन 80C से 80U का भी कोई डिडक्शंस आपको कैजुअल इनकम पे नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, हाँ, ना तो एक्सपेंडिचर माइनस कर पाओगे और ना ही 80C से 80U का कोई डिडक्शंस आपको एडजस्ट होगा। बस और दो तीन पॉइंट सुन लो आज का, फिर नेक्स्ट दिन कल के क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, और एक बात, एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज आल्सो नॉट परमिटेड अगेंस्ट सच इनकम। से फॉर एग्जांपल आपने मानो केबीसी से 10 लाख जीता, ठीक है, 10 लाख पे कितना चार्ज होगा सर? अच्छा 10 लाख नहीं, दादागिरी कर लेते हैं, केबीसी नहीं, दादागिरी, दादागिरी जानते हो सर, ये वेस्ट बंगाल में चलता है, बड़ा फेमस है दादागिरी, सौरभ गांगुली करते हैं, क्विक शो, वेरी फेमस सर, घर घर में सब कोई देखता है, जानते हो ना आप लोग, हाँ, वेरी गुड सर, केबीसी नेशनल है, सबको पता है, दादागिरी बंगाल का है, ठीक है, मैं बंगाल वाला भी ले लिया, दादा दादागिरी करके आता है, क्विक शो, 10 लाख अगर आपने दादागिरी में जीता तो आपका 30% टैक्स कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। टैक्स कटने से पहले मतलब आप वैसे बोल रहे हो कि से फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख कमाया, तो 10 लाख अगर आपने दादागिरी से कमाया तो आपके मन में चल रहा है कि मैं 10 लाख पे 30% टैक्स नहीं दूंगा, मैं एक काम करूंगा, मेरा जो 2.5 लाख तक तो सबको छूट मिलता है, क्योंकि आपने सुन के रखा कि 2.5 लाख तक तो किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन ये अगर आपका कैजुअल इनकम है, विनिंग हॉर्स रेस, केबीसी इनकम, इसके साथ 2.5 लाख का जो बेसिक अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट है, ये एडजस्ट नहीं होता, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 लाख से 2.5 लाख को माइनस करो और फिर उसके ऊपर टैक्स चढ़ाओ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो 2.5 लाख जो सबके लिए है, भारत में अगर 2.5 लाख तक इनकम होता है तो उसको किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आपने हॉर्स रेस, क्वीज, पजल, केबीसी, किसी भी तरह का कैसिनो गेम्स, किसी से भी आपने अगर आपने कमाया, उसके साथ किसी भी तरह का बेसिक अनएग्जॉस्टेड लिमिट जो है, जो 2.5 लाख का लिमिट है फॉर बिलो 60 के लिए, अगर आप लेस देन 60 हो 2.5 लाख, अगर ग्रेटर देन 60 हो तो 3 लाख, अगर आप ग्रेटर देन 80 हो तो 5 लाख, ये जो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का जो लिमिट है ना, जो बेसिक सब इनकम टैक्स के अंदर मैंने बता के रखा, अगर आप लोगों का बेसिक मिस है तो प्लीज बेसिक ऑफ इनकम टैक्स पढ़ो, ये किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया सर, बोलो, आया सर समझ में, कि अगर आप विनिंग वगैरह से कमाते हो, क्रॉसवर्ड पजल से कमाते हो, केबीसी से कमाते हो, इसके साथ आपका जो 2.5 लाख का इनकम का जो है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट फ्लैट चार्ज होगा, ठीक है, फ्लैट चार्ज होगा, फ्लैट 10 लाख पे 30% फ्लैट, ठीक है, फ्लैट जैसे डिस्काउंट देते हैं ना, फ्लैट फ्लैट 30%, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं। और एक बात सर, ये विनिंग हॉर्स रेस, केबीसी, ये सब का जो इनकम या लॉस, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल अगर आपने विनिंग में कुछ लॉस खा गया, आपने हॉर्स रेस में पैसा लगाया था, आपने हॉर्स रेस में पैसा लगाया था, लॉस हो गया, ये लॉस एडजस्टमेंट होगा क्या? नहीं सर, किसी भी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता है। एक चैप्टर आता है सर, हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, ठीक है, जैसे कैपिटल गेन लॉसेस को सेट ऑफ किया जाता है, ठीक है, कैपिटल गेन लॉस सेट ऑफ होता है, बिजनेस लॉस सेट ऑफ होता है, ठीक है, आप सेट ऑफ कर सकते हो कैपिटल गेन लॉसेस से, एसटीसीजी, एसटीसीजी, एलटीसीजी के सेट ऑफ होता है, बिजनेस प्रोफेशन में लॉस सेट ऑफ होता है, ठीक है, बट विनिंग, केबीसी, ये सब तरह का जो लॉसेस है, ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा। ऐसे केबीसी में तो लॉस हाँ हो सकता है, अगर आपने जीता नहीं, कुछ खर्चा ही हो गया आपका, वो लॉस भी नहीं होगा। विनिंग ऑफ हॉर्स रेस, ठीक है, हॉर्स रेस में विन नहीं, लॉस हो गया आपका, तो ये लॉस को आप किसी भी दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, ऐसे इसका पूरा चैप्टर आएगा, बट इतना जान लो कि विनिंग रिसोर्स वगैरह से जो भी आप लॉस करोगे, वो लॉस किसी भी दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट नहीं करता है। हाउस प्रॉपर्टी में जैसे हाउस प्रॉपर्टी लॉस एडजस्ट होता है, हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस, सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस आप लेट आउट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस भी एडजस्ट होता है, कैपिटल गेन लॉस भी एडजस्ट होता है, बीपी लॉस भी एडजस्ट होता है, बट ये अदर सोर्स के अंदर अगर विनिंग वगैरह है तो ये लॉस किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात सर, ब्लैक मनी के बारे में तो सुने हो, हाँ सर, ब्लैक मनी के बारे में सुने कि नहीं, टैक्स बढ़ते हैं ब्लैक मनी, जरूर सुने,
ठीक है, काला पैसा मस्त। हाँ, बेसिकली जिस पैसे का कोई हिसाब किताब हाँ नहीं है नहीं, है ना, जो कहाँ से मिला, कौन दिया। बेसिकली ब्लैक मनी का मतलब है जिस पैसे का टैक्स नहीं भरा जाता वो ब्लैक मनी है, और टैक्स नहीं भरा जाता मतलब उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं। तो अगर आप कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, कहाँ से ये कैश आपको क्रेडिट हुआ, कहाँ से इन्वेस्टमेंट मिला आपको, कहाँ से मनी पैसा मिला आपको, कहाँ से बुलियन मिला आपको, बुलियन मतलब गोल्ड का बिस्किट्स को बुलियन बोलते हैं, गोल्ड बिस्किट्स होते हैं उसको बुलियन के नाम से जाना जाता है, बुलियन बेसिकली गोल्ड। ज्वेलरी कहाँ से मिला आपको, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते इसका मतलब लूटा हुआ होगा। हाँ सर, सर गिफ्टेड भी हो सकता है, तो गिफ्ट होगा तो गिफ्ट ही होगा, मेरे माँ से मिला है, दादाजी से मिला है, परदादा से मिला है। हाँ सर, हो सकता है कि आपके पास बुलियन है, हो सकता है कि आपके पास ज्वेलरी है, तो अगर है तो फिर उसके गिफ्ट डीड होगा कि मेरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो दिखाओ, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो भी दिखाओ। अरे कुछ तो होगा आपके पास, जो भी है उसका कुछ तो होगा, प्लीज टेल मी। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके पास कैश है, कहां से मिला? अगर आपके पास अचानक से 1 करोड़ आ गया, लेकिन कहां से मिला? अगर आप कोई अनऑथराइज सोर्स से 1 करोड़ कमा लिया, अगर इनकम टैक्स का छापा मार हुआ, छापा मार समझते हो ना, रेड। हाँ सर, अगर इनकम टैक्स ने छापा मारी किया, रेड किया आपके घर पे या आपके दुकान में, तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई कहां से मिला आपको। कहीं पर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से आया? अगर आप ये सब एक्सपेंड जो भी आप करते हो, इवन आपने एक्सपेंड भी किया, खर्चा भी किया, खर्चा कहां से किया, पैसा कहां से आया? इतना 5 करोड़ का खर्चा कर दिया प्रॉपर्टी पे, कहां से मिला 5 करोड़? अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो सेक्शन 68 एंड सेक्शन 69 एंड 69D, तीन सेक्शन इस पे आता है। 60% ऑफ सच इनकम प्लस सरचार्ज एट द रेट 25% ऑफ टैक्स, इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 78%। नॉर्मली इनकम पे ऊपर 60%, एक्स्ट्रा टैक्स 25%, और उसके ऊपर फिर से 4% का एडुकेशन एंड हेल्थ। टोटल कुल मिला के 78% का टैक्स लग जाता है। अगर आपके पास 1 करोड़ का कोई भी अनऑथराइज इनकम है, अनएक्सप्लेन इनकम है, अनएक्सप्लेन कैश है, अनएक्सप्लेन बुलियन है, अनएक्सप्लेन ज्वेलरी है, तो उसके ऊपर 78% लग जाएगा, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, उसके ऊपर 78% का टैक्स लग जाएगा। 60% नॉर्मल रेट है, 25% एक्स्ट्रा है, सरचार्ज है, और 4% जो है वो 25% के अंदर इंक्लूड है। मतलब टोटल कुल मिला के 78% इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, मतलब और उसके ऊपर एडुकेशन हेल्थ नहीं लगता। 60 और 25 कितना हो जाता है 75, और उसके ऊपर 4% लग के टोटल कुल मिला के होता है 78। नो डिडक्शन सेल पे अलाउड, अगर कोई खर्चा है तो वो कोई भी खर्चा एडजस्ट नहीं होता, कोई लॉस भी एडजस्ट नहीं है। तो अनएक्सप्लेन इनकम के ऊपर सेक्शन 68, 69, 1660D, आगे इसका क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है, आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। बट इतना जान लो, कोई अनएक्सप्लेन इनकम किसी के पास है तो उस पर सरकार 78% टैक्स लगा के बाकी पैसा आपको देगा। अब जितना मर्जी ब्लैक मनी रखना है रख लो, ठीक है, जितना मर्जी ब्लैक मनी जिसको रखना है रखने बोलो, ठीक है, लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा सारा का सारा लेके जाएगा। उससे अच्छा है, उससे अच्छा क्या है सर, बेस्ट है ब्लैक मनी करो ही ना, टैक्स दे दो, आपका पैसा सेफ रहेगा। क्या बोलते हो सर, इनकम कर रहे हो ठीक ठाक, ये सोर्स से इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं, इनलीगल सोर्स है तो उसका बात अलग है, इंडियन पेनल कोड में चला जाएगा। बट अगर प्रॉपर सोर्स से इनकम है तो फिर टैक्स देते हुए बिजनेस करो ना भाई, क्या दिक्कत है आपका? जिस दिन 78% लेगा अच्छा लगेगा क्या? हाँ सर, सर समझ में आ रहा है? आप लोग चुप क्यों हो, बोलो सर। है दादा। और बाकी जो भी इनकम है आपका आधा सोर्स के अंदर, वो नॉर्मल रेट में जाएगा, जो भी मैंने ऊपर में बोला और जो भी एक्सेप्शनल पॉइंट्स बोला, ठीक है, इसके अलावा जो भी नॉर्मल रेट, नॉर्मल इनकम आधा सोर्स में आपका होगा वो सब नॉर्मल रेट में जाएगा। नॉर्मल रेट मतलब स्लैब, ठीक है, जिसमें आपका वही आपको 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख, जैसे आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में भी क्वेश्चन किए हैं वैसा ही अदर इनकम के अंदर जो भी आएगा वो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स के अंदर काउंट होगा। बस ये बेसिक बात था, ठीक है, और जरूरी, बेसिक भी था जरूरी भी था आधा सोर्स रिलेटेड। आगे आधा सोर्स रिलेटेड बहुत सारा चीजें बोलना है आपको, ठीक है, ये आपका डिविडेंड के बारे में स्पेशल बात करना है, सेक्शन 56
ठीक है, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1, इसके बारे में पूरा डिविडेंड का पूरा स्पेशल चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है, फिर क्वेश्चन करूंगा, इलस्ट्रेशन करूंगा, बहुत सारा चीज बाकी है, कल के क्लास में बाकी चर्चा जारी रखूंगा सर, ठीक है, बहुत दूर जाना है अभी, 4-5 क्लास लगेगा, अच्छे अच्छे मतलब हर एक पॉइंट को कवर करने में टाइम तो जरूर लगेगा सर, ठीक है, तो करूंगा, अच्छे से ही पढ़ूंगा सर, ठीक है, हर चीज पे जितना पढ़ना है एक्सपर्ट बनना है, क्या बोलते हो, जितना पढ़ेंगे एक्सपर्ट बनेंगे, आधा अधूरा करेंगे फायदा नहीं है, ठीक है सर, आज इतना ही है, फिर कल मिलेंगे। कैपिटल गेन का होमवर्क जो लास्ट वीक का था आप लोग मुझे शेयर कीजिए, और फिर मैं आपका उसका वीडियो रिकॉर्ड जो है वो कैलकुलेशन का शेयर करूंगा, जिन लोगों का आदर्श उसका लास्ट वीक का होमवर्क, सॉरी कैपिटल गेन का जिनका होमवर्क था, जिनका नहीं था ठीक है उनके लिए, सौमन नहीं था यदि आशीष था लेकिन वेट कर भी ओके, बाकी इतना ही है सर, टाटा फिर आज राक्षी दत्ता ओके बाय सर राक्षी सर ओके सर टाटा।